अब जैसे ये है, क्या पता होना चाहिए इसमें आपको? नंबर वन कि एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, एक बात। और ये तो फॉर्मूला भी नहीं, इसमें तो और थोड़ी सी चीज पता होना चाहिए कि एनसीआर प्लस एनसी आर माइनस वन क्या होता है, एन प्लस वन सी आर। और ये ब्रैकेट को एनसीआर के लिए भी यूज किया जाता है, यानी अगर 15C8 को ऐसा भी लिख सकते थे, 15C8 और 15C, तो क्या हो जाएगा, ये 16C8। इन दोनों में प्लस वन और आर जो बड़ा है, तो 16 और 8। आप क्वेश्चन पेपर को बहुत ध्यान से समझिए, PYQ इतना अच्छा तरीका है पढ़ने के लिए कि आप ये समझ पाते हो कि आपको क्या क्या आना चाहिए और क्या क्या नहीं। अच्छा एक और चीज है, अभी हर एक का रोना एक ही बात का है, बताओ क्या, कि रीजनिंग में टाइम कम मिला। ये बहुत कॉमन बच्चों के मैसेज है मेरे पर, सही बात भी, रीजनिंग में टाइम कम मिला। पर मेरा क्वेश्चन ये कि किसी एक को कम मिला है, सबको कम मिला? तो जब सबको कम मिला तो दुख की कोई बात ही नहीं है, तो रीजनिंग में टाइम कम ही मिलेगा, 30 मिनट ही मिलेंगे और 30 मिनट में ही करना आना चाहिए आपको। तो 30 मिनट में अगर आप 20 या 20 प्लस क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हैं। अब इसका LR भी करूंगा डिस्कस, पहले मैथ्स फिर LR। चलिए तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस था, लिखते चलिए कि आप लोगों को क्या क्या पढ़ना चाहिए। यानी अगर आप PNC पढ़ रहे हैं तो जो फॉर्मूले होते हैं, लिखिए फॉर्मूले एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फॉर्मूले जो होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी, ये आपको पता होना चाहिए। प्रॉपरली कंसेप्ट बनाते हो चलो, अपने लैंग्वेज में लिखते चलना, जो मैं बोल रहा हूँ वो जरूरी नहीं है, पर क्या चीज अगर नहीं आती तो ये चीजें आपको पढ़नी है। नेक्स्ट, अब देखिए ये क्या लिखा है, इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट इट वॉज फाउंड दैट 30 स्टूडेंट रीड हितावा। ठीक है, एक क्लास में कितने बच्चे हैं, ये पहले तो क्वेश्चन किसका है, लिखते भी चलना किस टॉपिक के कितने। कई बार आप मुझसे, कई बच्चे मुझसे पूछते हैं सर वो एलजेब्रा में कितने क्वेश्चन आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में कितने क्वेश्चन आते हैं, कैलकुलस में कितने क्वेश्चन आते हैं। तो मैं सोचता हूँ पेपर ही मैं दिया हूं जब सभी मुझे बताना है, तो कम से कम इतनी मेहनत तो किसी बच्चे को करना चाहिए कि किसी भी टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए। अगर आप ये मुझसे पूछ रहे हैं तो फिर आपने कुछ भी नहीं किया मतलब। तो ये किसका था क्वेश्चन, अब याद रखना कैसे लिखना, आपको बताता हूं। ये एलजेब्रा में, एलजेब्रा उसका सब टॉपिक है PNC, उसका क्वेश्चन वन ऐसा मान लो। जैसे अगला क्वेश्चन है सेट, ये वन, फिर टू थ्री ऐसे लिख सकते हो आगे। ये सेट का क्वेश्चन है, इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट, बहुत ध्यान से समझना, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आगे भी, बता रहा हूं। 23 का पेपर भी ऐसे ही था, पर वो टफ क्यों लगा था जानते हो, क्योंकि 22 से उसका कंपेयर किया गया। अगर 22 के अलावा किसी और पेपर से 23 का कंपेयर करोगे तो टफ नहीं होगा, वो कंपेयर 22 से किया गया। 22 का, 22 से इजी पेपर अभी तक नहीं आया, मतलब इतना इजी था वो कि कुछ करना ही नहीं था उसमें, मतलब सेकंड राउंड के लिए भी क्वेश्चन नहीं ढूंढने थे। तो पढ़िए क्या लिखा, इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट इट वॉज फाउंड दैट 30 स्टूडेंट रीड हितावा। ठीक है, कोई पेपर का नाम है, 35 रीड हिंदुस्तान एंड 10 रीड नायदर। 10 कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे, तो अगर 10 लोग 50 में से न्यूज़पेपर पढ़ ही नहीं रहे तो पढ़ने वाले कितने लोग हैं, इसमें कहां गड़बड़ होगी बता रहा हूं। 40 लोग पढ़ने वाले जिसमें 30 ये और 35 ये, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना, तो कॉमन कितने हो गए, 65 माइनस 40, तो ये कितने हो गए 5, ये कितने हो गए 10। अब पूछा क्या है कि हाउ मेनी रीड बोथ, अब बोथ कितने 25। अब अगर किसी बच्चे ने ध्यान नहीं दिया तो इसमें क्या मिस्टेक करने वाला बता देता हूं, 30 प्लस 35 कितना होता है 65, और आपने सोचा टोटल रीड करने वाले कितने 50, तो बचे कितने 15, 15 कॉमन हुए तो आंसर लगा दिया 15। ए आंसर तो वैसे ही लगता है, अपन जब गलती करते हैं तो ए में मिलती, पर यहां ऐसा नहीं है। मतलब इसमें क्या मिस्टेक हो सकती है वो समझो आप लोग।
क्लियर। फिर समझ लीजिए एक बार कि क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि एक क्लास में टोटल 50 बच्चे थे जो कि न्यूज़पेपर पढ़ते थे, न्यूज़पेपर ए, न्यूज़पेपर बी। 10 ऐसे थे जो कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते थे, यानी पढ़ने वाले 40 लोग हुए। इस 40 में ए वाले हुए 30, बी वाले हुए 35, टोटल हुए 65। पर लोग 40 हैं और 65 कैसे होंगे, तो इसका मतलब 25 क्या रहे होंगे, 25 कॉमन, तो हितावा पढ़ने वाले हो गए 30, हिंदुस्तान पढ़ने वाले हो गए 35। ये देखो ये 35, ये 30, तो अगर कॉमन पूछा तो 25। सेट थ्योरी का सिंपल क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन दो तीन बार रिपीट हो चुका निम सेट में, मतलब निम सेट में भी एक क्वेश्चन तीन तीन बार आया, उसमें से एक क्वेश्चन यही है। अब इस क्वेश्चन में ध्यान दो तो ये पावर के टर्म में है, ये कोफिशियंट में, तो कौन सा तेजी में बढ़ेगा। पावर बहुत तेजी से बढ़ती कंपेयर टू दिस, एक बात। फिर भी अगर आप, अब देखो लिखा हुआ है कि ए बड़ा सेट, ए में छोटे कम एलिमेंट होंगे, किस में ज्यादा होंगे, बी में, तो क्या लिखोगे, ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। और ये भी दिया हुआ ए सबसेट ऑफ बी, तो कौन सा लगाएंगे। देखो पहले तो आप एक एक्स की जगह वन रख दो, रखो वन, तो ए कितना आएगा बताओ, जीरो, और बी भी कितना, जीरो। आप वन रखो, वन क्या रखो, टू, टू रखा तो क्या हुआ, फोर का स्क्वायर 16, माइनस 6 माइनस 1 तो 9, और टू रखो तो ये भी 9। पर जब थ्री रखते हो तो ये हो जाता है 64 माइनस 27 माइनस 1, कितना, कितना हो जाएगा, और थ्री रखो वहां पे 18, कितना 36, क्या हो गया, कहां पर, अच्छा थ्री रख रहा तो 9 होगा, सॉरी 9 माइनस 1 तो ये हो गया 54। तो आप बताओ इसमें एलिमेंट बहुत दूर दूर के मिल रहे हैं, इसमें सारे मिल रहे हैं, तो ये प्रॉपर सबसेट हुआ, तो ए सबसेट ऑफ बी। ये साइन जब लगाते हैं, इस तरह का साइन कब लगाते हैं पता है, जब ए और बी इक्वल होने के चांस भी, यहां तो है ही नहीं, क्लियरली दिख रहा है, इसमें भी मिस्टेक की जा सकती थी, किसी ने की तो नहीं, याद रखना है सेट थ्योरी का मिस्टेक होने वाला क्वेश्चन था, ठीक। इसमें बी गलत नहीं है, पर ए और बी में कोई चुनना हो, अगर मान लो ए नहीं होता तो फिर हम क्या लगाते, बी लगाते, क्योंकि इसका मतलब ये होता है, ये इसका मतलब होता है ए सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब ए बी का सबसेट है या ए के एलिमेंट बी के बराबर है। जैसे ए ऐसा लिखाओ 1 2 3, और बी भी ऐसा लिखाओ, पर इसका मतलब होता है कि कम से कम ए का एक एलिमेंट कम होगा किससे, बी से, इसलिए इसका आंसर ए ही देंगे, बी नहीं देंगे, जब क्लियरिटी हो, जब ऐसा नहीं कर सकते। तो आपने जब वैल्यू रखना चालू की तो आपने जीरो रखा तो आपको मिला जीरो, जब आपने वन रखा तो अभी आपने बताया था कितना 9, टू रखा तो नहीं, टू रखने पे 54 का, थ्री रखने पे 54, ऐसे चल रहा है, और बी में तो 0 9 18 27 36 ऐसा चल रहा है। तो इसमें चाहोगे भी तो कई एलिमेंट नहीं, तो क्लियरली दिख रहा है ए बी के इक्वल कभी नहीं हो सकता, तो इसलिए इसका आंसर होगा ए सबसेट ऑफ बी। इसे कहते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ये लिखना, इसमें कंसेप्चुअल मिस्टेक कम से कम, ये क्वेश्चन 70% बच्चे गलत कर सकते हैं। यहीं पे आपको निकलना है कि सिंपल पेपर में कब क्या क्या मिस्टेक होती है, वो चीजें आप मेरे साथ सीखते जाओगे अभी। ओके नेक्स्ट। अब देखिए ये फिर सेट का क्वेश्चन है, सेट का नंबर कौन सा, ये 1 2 3, तीन क्वेश्चन आए, सेट कितना इंपॉर्टेंट है देख लीजिए। इसीलिए मैंने बोला अभी आपको कि अभी इस राउंड में मैं सेट, पी एंड सी और प्रोबेबिलिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 10 या 10 से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इन तीन टॉपिक के, इसलिए इसको दोबारा डिटेल में पढ़ाऊंगा।
यस, ये भी सेट का ही हो गया। द सबसेट पावर सेट क्या होता है? टू की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, तो टू की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने? थ्री, तो कितना? एट। पर हैं कितने बेसिक क्वेश्चन, देखिए आप। और ओवर थिंकिंग मत करना है तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म्ड स्टार्टिंग लेटर डी टेकिंग ऑल द ऑल लेटर फ्रॉम वर्ड डेली सो दैट स्टार्ट, क्या लिखा? सो लेटर आर नॉट रिपीटेड, ठीक है। हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म विद, अच्छा स्टार्ट किससे करना है? हाँ डी, तो डी फिक्स हो गया। अब कितने लेटर बचे? फोर लेटर बचे, ई एल और एच और आई। फोर लेटर को अरेंज करने के तरीके, 4 3 2 1 यानी 24 परमुटेशन कॉम्बिनेशन। मैं आपसे एंड में पूछूंगा किस टॉपिक के कितने क्वेश्चन है, एक पेज पे समरी बनाइए प्रॉपर। अब जब सेट पीएनसी पढ़ाऊंगा तो ये चीजें समझाऊंगा भी, प्रॉपर सेट क्या होते हैं, सबसेट क्या होते हैं, है ना, ये सब चीजें आप उस समय सीखोगे। अभी होने ही वाला है स्टार्ट। चलिए देखिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी पीएनसी का है। अच्छा पहला क्वेश्चन भी किसका था? पहला पीएनसी का था, दूसरा सेट 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 पीएनसी फिर पीएनसी। और ये साल की कहानी नहीं है, हर साल की। कुछ टॉपिक हैं जिनमें, इसलिए अगले 3 महीने में जितनी क्लास लूंगा ना वो सब उनके लिए भी, जो आज से स्टार्ट किया ना उनको भी पूरी चीजें कवर करवा दी, किस टॉपिक को कितना पढ़ना सब बताऊंगा। अभी शाम को आप क्वाड्रेटिक भी पढ़ोगे। नरेश हैज 10 फ्रेंड, ही वांट टू इनवाइट 6 ऑफ देम पार्टी, हाउ मेनी टाइम विल 3 पर्टिकुलर फ्रेंड नेवर अटेंडिंग, किसको करना है ये अरेंजमेंट? आपको, टीम को हटा अलग ही कर दो, 10 में से बचे कितने, कितने सिलेक्ट करना है? तो 7 C 6 कितना? इतने बेसिक लेवल के क्वेश्चन हैं। आप सोचिए कि इस पेपर में आप क्यों नहीं टॉप कर सकते, अगर ढंग से चलोगे तो बिल्कुल होगा। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 होती है, 120 नहीं। ये क्लियर? देयर इज अ यंग बॉय बर्थडे पार्टी इन विच 3 फ्रेंड हैव अटेंडेड, द मदर हैज अरेंज 10 गेम, वेयर अ प्राइज इज अवॉर्डेड फॉर अ विनिंग गेम, द प्राइजेज आर आइडेंटिटिकल इफ ईच ऑफ 4 चाइल्ड। देखो एक आपका, एक आपके 3 फ्रेंड को आपने बर्थडे पार्टी के लिए इन्वाइट किया, तो टोटल कितने हो गए? 4, 3 फ्रेंड और एक खुद आप। अब मदर ने क्या किया? अरेंज 10 गेम, 10 गेम अरेंज किए। अ प्राइज इज अवॉर्डेड फॉर विनिंग द गेम, द प्राइज आर आइडेंटिटिकल, सभी एक जैसी प्राइज रख दी कि बच्चे आपस में लड़े ना। If each of 4 children receive at least 1 prize, और माने ये भी डिसाइड किया कि हर बच्चे को कम से कम एक तो देंगे, भले ही वो हार भी रहा तो भी दे देंगे, नहीं तो बहुत रोएगा बाद में, है ना। If each 4 children receive at least 1 prize, then how many distribution of prize are possible? इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप इसको ऐसा कर सकते हो, आप A प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू कितना? 10। नॉन जीरो सॉल्यूशन बोला है, तो इसका मतलब n-1 CR-1 पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला होता है n-1 C। तो n कितना? नंबर ऑफ, ये n, ये 10 हो गया, -1 R नंबर ऑफ वेरिएबल होते कितने? 4। तो 10-1 कितना? 9 C 3। 9 C 3 सॉल्व करो, 987/3 2 1। 3 से 3 टाइम, ये कैंसिल 4 टाइम, बोलो 84। ये भी पीएनसी का क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन आते हैं ये मुझसे पूछने की जगह, जितना ज्यादा अच्छे से आप पढ़ेंगे समझेंगे। और इसीलिए मैंने आपको बोला अगले वीक के बाद, 20 तारीख के बाद 19 को सीयूटी का एग्जाम है, उसके बाद मैं आपको 3 मेजर टॉपिक पे काम करने वाला हूं, सेट पीएनसी प्रोबेबिलिटी।
ये फार्मूला है, ध्यान रखना, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अप टू एक्स आर इक्वल टू, अगर एन हो तो फार्मूला होता है एन माइनस वन सी आर माइनस वन, पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन के लिए, पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन के लिए। तो अगर आपको मान लो ये फॉर्मूला नहीं पता या नहीं आता, इसका मतलब पीएनसी नहीं आता। क्या क्या चीजें नहीं आती वो भी आपको रियलाइज करना है, कितना पढ़ना है वो भी समझ में आएगा। ठीक है, वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हमेशा बेसिक आता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह के चक्कर में आधे लोग वही कवाड़ा कर लेते हैं ना, वो सीयूटी में आना ना इसमें आना है, जो बताता चलो वो समझते चलो। थ्री सिटीज ए बी सी आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, ए मोटराइज्ड ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी 30 किलोमीटर पर आवर, बी टू सी 40 किलोमीटर पर आवर, ए टू सी टू ए 50 किलोमीटर पर आवर, देन द एवरेज स्पीड इज। अब इस क्वेश्चन में अगेन एक बच्चा बहुत हाईएस्ट मिस्टेक करेगा, ये हाईएस्ट मिस्टेक क्वेश्चन है, दिस इज हाईएस्ट मिस्टेक क्वेश्चन, क्यों है बताता हूं। सबसे पहले सोचिए ऐसा है ये क्वेश्चन, ए ट्राइंगल समझ लो, ट्राइंगल प्लेस है बी एंड सी, आप ए से बी क्या लिखा, थ्री सिटीज ए बी सी आर इक्व डिस्टेंस, इक्व डिस्टेंस मतलब तीनों के डिस्टेंस इक्वल है, एक तरह से इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है। अब बोला है आप ए से बी जब जा रहे हैं तो 30 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जा रहे हैं, बी से सी जा रहे हैं तो, और सी से जब ए जा रहे हैं तो, करना आपको तो आपको अपने तरीके से सोचना। बहुत कॉमन दिक्कत है, लोग ऐसा करते हैं, इसको तीनों को ऐड करेंगे 30 40 और 50 बाय 3 कर देंगे, 120 बाय 3 कितना होता है 40, ये देखो 40 आंसर दिया, किसी ने लगाया तो नहीं, नहीं ना, अगर लगाया तो ये आंसर गलत है। जब डिस्टेंसेस सेम होते हैं तो एवरेज हार्मोनिक मीन से निकलता है, और जब डिस्टेंसेस अलग अलग होते हैं तो अर्थमेटिक मीन से निकलता है। ये हो सकता था अगर ए से बी का डिस्टेंस, बी से सी का और सी से ए का डिस्टेंस अलग अलग होता तो एवरेज स्पीड यही होती, इक्यू डिस्टेंस इसकी की थी। आप छोटी छोटी चीजें समझो, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है या स्टेटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, दोनों टॉपिक का कॉमन क्वेश्चन है, मतलब ये एलजेब्रा का ही क्वेश्चन है, प्रोग्रेशन लिख सकते हो। तो अब हार्मोनिक मीन कैसे निकालेंगे, तीन डिस्टेंसेस है तो 3/1/3, अच्छा 40 अगर आया तो 40 से कम वाला आंसर होगा, तो 40 से कम सभी हैं, तो एक ही आंसर रिजेक्ट हुआ, 1/30 1/40 बोलो। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 30 40 50, कितना 3 4 5 का एलसीएम आएगा, कितना 20 और 360 तो 600, क्यों 600 ही तो आएगा, आप 10 बाहर भी निकाल सकते थे चाहो तो। ठीक है, आप बताओ 30 से डिवाइड करो 20, 40 से डिवाइड करो 15, ये कितना 12, तो 3 × 600 अपॉन बोलो, ये ऐड कर दो 47, डिवाइड कर दीजिए और आंसर बताइए, ये एक तरह से हो गया 1800 अपॉन 47, क्लियर। और ये तीन डिस्टेंसेज हैं, दो नहीं है, दो होते हैं तो हार्मोनिक मीन का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना, वो भी कैसे आता है, वही 1/3 करके, तीन है तो ऐसे होंगे, चार है तो भी ऐसे, पांच होंगे तो भी। तो आप हमेशा के लिए ध्यान रखिए कि अगर डिस्टेंसेस सेम है, मतलब आप ए से बी जा रहे हैं
बी से सी जा रहे हैं, सी से डी जा रहे हैं, डी से ई जा रहे हैं, इफ डिस्टेंसेज आर सेम। अगर सारे डिस्टेंस सेम है तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला ही होता है एन अपॉन, मान लो ये स्पीड एक्स किलोमीटर पर आ रहे हैं, ये वाई किलोमीटर पर आ रहे हैं, तो वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई प्लस वन अपॉन जेड एंड सो ऑन। ये वाई किलोमीटर पर आर, जेड किलोमीटर पर आर, ऐसे एंड सो ऑन। क्लियर? ये स्टेटिस्टिक्स या हार्मोनिक मीन दोनों टॉपिक की कॉमन चीजें। जब आप स्टेटिस्टिक्स पढ़ते हो तो ये पोर्शन को पढ़ते हो। ओके आप चाहो तो इसके लिए फॉर्मूला बना सकते हो। तीन जैसे दो के लिए बनाते हैं, जैसे दो के लिए कैसे बनाया होगा, अगर दो हैं तो मान लो एक डिस्टेंस है एक्स किलोमीटर पर आर, एक है वाई, तो दो के लिए क्या लिखते हैं, यही लिखते हैं ना, तो क्या लिखते हैं टू एक्स वाई अपॉन। ऐसी तीन के लिए कैसे बनाते हैं, बनाना चाहो तो तीन के लिए बना लो। अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस चार के लिए तो चार के लिए बना लो, पांच के लिए तो पांच के लिए। पर जो चीजें नहीं आती, अगर आप पता अगले 3 महीने बेसिक पे अच्छा काम कर लोगे, जो पहले पढ़ा हुआ तो है, पर अगर अगले 3 महीने बेसिक पे काम कर लिया तरीके से जो मैं बताऊं, अब अच्छी रैंक ला सकते हो। चलो अब ये क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। अभी तक 7 क्वेश्चन तो पूरे पूरे किसके थे, सेट और पीएनसी के। 8वां जरूर प्रोग्रेशन का था, या उसका मान लो अलग कर दो। 9 फिर प्रोबेबिलिटी का आ गया, जो मैंने आपको अभी बोला। देखो पेपर बाद में खोला, मैंने आइडिया दिया कि तीन टॉपिक ऐसे हैं जिनमें 10 या 10 से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, बहुत बड़ी रेंज होती है 10 या 10। अच्छा इन तीन टॉपिक का एक और फायदा है, ये तीन टॉपिक आने से रीजनिंग पे भी काम आता है आपको, क्योंकि रीजनिंग भी स्ट्रॉन्ग होती है इनसे। इसका आंसर पता है ना क्या आएगा सॉल्व करके, 38.3। इसको डायरेक्ट इस फॉर्मूले से कर सकते थे, 3 × 30 × 40 × 50 अपॉन कितना, 30 × 40 बाद वही है 40 × 50, 50 × 30। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन है। अ प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट ए बी एंड सी, इफ द प्रायोरिटी ए सॉल्विंग, ए के सॉल्व करने की प्रायोरिटी है। बिल्कुल कितने बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, 1/2। बी के सॉल्व करने की प्रायोरिटी है, नहीं बी नॉट सॉल्विंग बोला है, थोड़ा ध्यान रखना नॉट लिखा है या क्या लिखा है, नहीं तो ये भी एक मिस्टेक हो सकती है। बी नॉट सॉल्विंग दिया है कितना, अच्छा ठीक है, और सी के बारे में पता नहीं है, और होल प्रायोरिटी कितनी दी है, 63/64। व्हाट इज द प्रायोरिटी ऑफ सॉल्विंग सी। अब प्रोबेबिलिटी जब दोबारा पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, पर जिनको पढ़ा है कि टारगेट हिटिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, एटलीस्ट वन ऑफ देम, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटलीस्ट वन ऑफ देम, कोई एक भी बच्चा कर देगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा, 1 − PA bar PB bar और 1 − none of them, तो 1 − PA bar कितना, अच्छा ये दिया हुआ है 63/64 = 1 − 1/2, ये नॉट ही दिया था 1/4, और पीसी बार ऐसे ही लिखा रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/8 PC bar = 1 − 63/64, यानी 1/, ये 8 कैंसिल हो गया, तो पीसी बार कितना 1/8, पर ये पीसी बार है 1/8 ना लगाने गलती से, ये मिस्टेक हो सकती है, हमें पीसी बताना है, तो पीसी होगा 1 − PC bar, तो कितना 7/8। यस और नो, और यही टॉपिक जो हम कर रहे हैं यही सीयूटी में इंपॉर्टेंट, सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई टॉपिक कम इंपॉर्टेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। भले मैं बोल रहा हूं कि इसके 10 क्वेश्चन आते हैं, पर हो सकता है 10 ना आए, 4 ही हैं,
हो सकता है 15 आ जाए। एक अनुमान है कि हम इतने सालों के पेपर से, इसलिए कभी कोई माइंडसेट लेके नहीं जाना चाहिए। कई बार बोलते हैं ना सर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो, क्या छोड़ दे, क्या छोड़ दे, क्या पता जो छोड़ा वही पूछ लें आपसे, कोई लॉजिक है इसका? तो आप सब ध्यान रखना इस बात का। अब देखो ये क्वेश्चन हमेशा आप करते हो क्लास में, और ये सब पहली दूसरी क्लास में पढ़ाई हुई चीजें हैं। ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, दो बार निमसेट में आया हुआ है। करिए ए एंड बी प्ले अ गेम वेयर ईच इज आस्क्ड टू सिलेक्ट नंबर फ्रॉम 1 to 20, इफ टू ऑफ नंबर मैच बोथ विन अ प्राइज। मतलब ए दो फ्रेंड है जो 1 to 25 नंबर का कोई गेम है, प्ले अ गेम, अगर दोनों के पास, मान लो मेरे पास 5 आया और आपके पास भी 5 आया तो गेम में विन हो जाएंगे, 6 आया तो 6 आ जाए। अब लिखा क्या पढ़ो, द प्रॉपर्टी दैट दे विल नॉट विन द प्राइज इन अ सिंगल ट्राई। नॉट बोला है मतलब दोनों के पास सेम नंबर ना आए, इसका मतलब यही हुआ। तो दोनों के पास सेम नंबर ना आए तो दो तरीके, कि मेरे पास तो कोई भी नंबर आ जाए 25 में से, पर आपके पास वो ना आए जो मेरे पास आया, तो जो आया उसको अलग कर दो, एक तरीका ये हुआ। और 1 माइनस दोनों के पास सेम नंबर आया, तो सेम नंबर के कितने केस हो सकते हैं, 25 आउट ऑफ 25 क्यों हो सकते हैं? मान लो 1 आपके पास 1 एक केस, 2 2 एक केस, 3 3 ऐसे होंगे ना, अगर ये आया तो बिन होंगे, तो ऐसे कितने केस होंगे, 25 अपॉन 25 25। तो 1 माइनस 1 अपॉन, दोनों में से कोई भी एक तरीका यूज कर सकते थे। क्लियर, समझ में आया? पहले समझो फिर से, अभी भी नहीं आया तो, कि पहले तो सेम नंबर का मतलब ये होता है, अगर ये नंबर दोनों मित्रों के पास आए तो ऐसे कितने हैं, इन 25 पेयर में से कोई भी आया तो विन हो जाएगा। तो हमारे पास 25 पेयर है, उसमें से एक पेयर सिलेक्ट करो आउट ऑफ 25 25। नीचे 25 25 क्यों आया, क्योंकि मेरे पास भी 25 नंबर में से एक नंबर निकालने के ऑप्शन है, अगले के पास भी, तो ये हुआ 1/25। ये विनिंग प्रोबेबिलिटी है, मैं बोल रहा हूँ नॉट विनिंग, तो 1 माइनस 1/25। तो इज दैट क्लियर? ये किसका क्वेश्चन है, स्टेट का, ये लिख लेना क्वेश्चन, ये किसका था, प्रोबेबिलिटी का, पूरा एक समरी बनाना है। जब पेपर एंड होगा तो आप मुझे बताएंगे सर किस टॉपिक के कितने आए। मैंने कल सैटरडे भी जो पेपर दिया था वो 2021 का एक्चुअल है, वो भी डिस्कस करूंगा। ऐसे हर PYQ का आप निकालोगे निचोड़ और खुद से निकालोगे। बोलिए, देखिए क्या क्वेश्चन है, स्टेटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। ए बी सी आर 3 सेट्स ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स, ए दिया 2 3 7 1 3 2 3, बी दिया 7 5 9 12 5 3 8, सी दिया 4 4 11 7 2 3 4। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। आप सबसे पहले बताइए इसमें लिखा है मीन ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ सी, मीन सी इक्वल टू मीडियन, मतलब मीन मीडियन मॉड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले बताओ मुझे कि ये इसका मीन क्या है, मीन क्या होता है पता ना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ टर्म। तो करो 3 + 2 5 + 3 8 9 16 19 + 2 21 / 7, तो मीन तो 3 है। अच्छा 1 2 3 मॉड भी 3 है, ये दिख गया, और मीडियन भी, क्योंकि जब अरेंज करोगे आप तो 3, तो इसका मतलब मीन मीडियन एंड मॉड क्या है, किसके, एक है। सोच लो आप पेपर, और ये बिल्कुल PYQ है। कल जो मैंने पेपर दिया था वो जरूर ऐसा था जिसमें आपका स्कोर नहीं आ सकता था, अब मेरे पेपर में स्कोर बनाना मुश्किल है, PYQ में आसान है। और आपको एग्जाम किसका देना है, PYQ का, समझ के पढ़िए। Then, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब स्टेटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है,
सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस, और वेरिएंस क्या होता है इसका स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है एंड दिस इज वेरिएंस। अब आपको इसके लिए अगर ये क्वेश्चन आपको करना है तो क्या पता होना चाहिए, बोलो क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस की हुई होना चाहिए, पर ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है तो आप इसे बाद में भी कर सकते हैं। अच्छा ये फॉर्मूला होता है इंडिविजुअल सीरीज का, ये डिस्क्रीट है, तो डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एन अगर आप में से किसी को अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इसका एकमात्र रीजन है कि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ाई की, इससे ये भी पता चलता है। कोई भी बच्चा जो, क्योंकि अभी कई लोग जुड़े हुए हैं, अगर आप में से अभी किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं, ये समझने की जरूरत है कि आपने अब तक कुछ पढ़ा नहीं, और अब निमसेट का नोटिफिकेशन आया तो अब नींद खुली है, तब खुली हुई नींद को खुली रखना और अब पढ़ना चालू करना। ऑब्वियसली पेपर एनालिसिस जब भी समझ में आएगा जब टॉपिक आपका कवर होगा, पर फिर भी उसके बाद भी ये समझ में आएगा कि अगर आपने कम पढ़ा है तो कितने बेसिक फॉर्मूले अगर आपको पता होंगे तो आप पेपर कराओगे। नेक्स्ट, अब जैसे मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, इसको एलजेब्रा के मैट्रिक्स में डालना, एक्सेप्ट पेपर के अलावा कोई भी क्वेश्चन पेपर के एंड में पूछा करो। अब देखो यहां पे पूछा ए पावर एन क्या होगा, अगर ये मेथड से करोगे बहुत टाइम ले सकता, पर अगर आप एन के प्लेस पे वन रख दो तो क्वेश्चन बनना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ कॉस अल्फा, तो यहाँ साइन अल्फा छोड़ दो यहाँ, ठीक है, यहां पर एन की जगह वन रखो कॉस अल्फा, पर नीचे साइन अल्फा, तो ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो। अब बचा ये, देखो एन की जगह वन रखो तो क्वेश्चन बन गया, यानी क्वेश्चन को ट्रिक से करना है, लॉजिक से करना है, कंसेप्ट से करना है, सब चीजें सीखोगे, पर ये एक दिन में नहीं, डे बाय डे सीखोगे। वापस क्वेश्चन बन गया, इसका मतलब आप इसे बिना मेहनत के आंसर दे सकते थे। वहीं ये क्वेश्चन ये बच्चा सॉल्व करने में 5 मिनट ले सकता है, आप 5 सेकंड में कर सकते थे, 5 सेकंड में कर सकते, और लिया था बच्चों ने टाइम जब 2020 में आए थे क्वेश्चन। पहले राउंड में क्वेश्चन हो सकता था सॉल्व, और इतने सिंपल तरीके से आया समझ में, पेपर देख के एक्चुअल में बहुत ही पॉजिटिव माइंड से कि कैसे हम मिनिमम टाइम में कर चुके कर सके, ये थॉट आना चाहिए। क्लियर, करते चलिए मेरे साथ। आज इवनिंग में पढ़ाने वाला हूं क्वाड्रेटिक। अब देखो यहां लिखा है इस इक्वेशन के रूट्स, इसके रूट्स क्या है, एन एन एम, तो आपको वैल्यू बतानी है बी अपॉन एन स्क्वायर प्लस सी की प्लस बी अपॉन, तो बड़ा सिंपल है, अगर इसका एक रूट मान लो एन है तो ऐसा लिख सकते हो एन स्क्वायर माइनस टू बी एन प्लस सी, और यहां से बताओ एन स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू क्या हो गई 2bn, तो इसका मतलब ये क्या बन गया b अपॉन, तो सिमिलरली ये क्या बन जाएगा b अपॉन 2b कितना m, ये b से b कैंसिल, ये b से b कैंसिल, 1/2 बाहर आ गया तो क्या बच गया n प्लस m अपॉन, ये क्या है सम ऑफ रूट्स, ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ रूट्स कितना होता है माइनस b बाय a, तो 2b बाय ए, और ये कितना 2 से 2 भी कैंसिल, तो क्या बच गया b बाय सी। इतना सिंपल क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन था, लिख लीजिएगा टॉपिक का नाम एलजेब्रा क्वाड्रेटिक।
सारा खेल ही इस बात का, मैं सालों से एक ही बात बोल रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखना कि सारी चीज बात पे कि आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच क्या है। क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक बहुत कम बच्चों को आती है ये बता दूं मैं, और ये सीखने में बहुत टाइम नहीं लगता, पर अगर बेसिक क्लियर है, कंसेप्ट आते हैं, तो आप मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच सीख जाओगे। ओके नेक्स्ट। अब ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, देखिए मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट दोनों में ही कॉमन चीज होती है, मैट्रिक्स ऑब्लिक डिटरमिनेंट लिखना एलजेब्रा। आप सोच लो अभी तक एलजेब्रा ही चल रहा है, 15 क्वेश्चन पे आ गए, प्रोबेबिलिटी भी एलजेब्रा का ही पार्ट होता है। स्पीड थोड़ी ज्यादा बेटा इसलिए लग रही है क्योंकि आपके टॉपिक क्लियर नहीं है, पर धीरे धीरे टॉपिक क्लियर होंगे तो स्पीड आपको समझ में आएगी। और याद रखना मेरी स्पीड कम नहीं करना, आपको अपनी स्पीड बढ़ाना है, मेरी स्पीड कम करने से आपका नुकसान है, बल्कि आप बोलो और ज्यादा स्पीड में पढ़ाओ और हम आपकी स्पीड मैच करें, क्योंकि आप खेल तो स्पीड का ही है। अब नया रूल के हिसाब से तो और 70 मिनट में ही 50 क्वेश्चन करना है, 30 मिनट में ही एलआर के 40 क्वेश्चन पे पहुंचना है, तो आप तो बहुत बड़ा रोल हो गया स्पीड का। मैं ऑलरेडी स्पीड के लिए जाना जाता था, और अब ये सबसे बड़ा फायदा आपको मेरे साथ स्पीड का मिलेगा, क्योंकि अब तक फिर भी एक बच्चा 120 मिनट लेके भी 50 क्वेश्चन मैथ्स के कर सकता था, अब 70 मिनट बाद उसके हाथ में कुछ नहीं है, तो अब तो स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आपके अगर टॉपिक क्लियर नहीं है तो अभी धीरे धीरे समझो, और अगले कुछ दिनों में टॉपिक क्लियर होंगे तो स्पीड भी आएगी, तो स्पीड पे काम आपको करना पड़ेगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ के फॉर विच लीनियर इक्वेशन हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन। नॉन जीरो सॉल्यूशन का मतलब होता है डिटरमिनेंट को जीरो होना चाहिए, होमोजीनियस इक्वेशन है, जीरो 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 दिया था, तो डिटरमिनेंट को जीरो से इक्वेट करोगे तो 4K1, K41 टू टू वन दिस शुड बी जीरो, बस इसको सॉल्व करोगे तो के निकल आएगा। इतना सिंपल क्वेश्चन है, बस इतना पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन और इक्वेशन का क्या रूल है। तो अगर आपको स्पीड ज्यादा लग रही है तो लग सकती है, पर आपको मेरी स्पीड मैच करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि मैं आपकी स्पीड अभी तो मैं स्लो पढ़ा रहा हूं, अभी धीरे धीरे स्पीड बढ़ाऊंगा, एक्चुअल में स्लो पढ़ा रहा हूं। क्लियर? मूव अब मैं आपको बता देता हूं, अब इसको आपने सॉल्व किया तो कितना आ रहा है, दो वैल्यू आ रही है ना, तो जीरो और तो क्या दिया इसका आंसर, तो टू दिया ना, सही तो दिया, फिर क्या दिक्कत है। नॉन जीरो का मतलब क्या होता है जानते हो आप, के नॉन जीरो की बात नहीं कर रहे, नॉन जीरो सॉल्यूशन मतलब नो सोल्यू, वो होमोजीनियस इक्वेशन का नॉन जीरो की बात कर रहे हैं। यहां पर ये नॉन जीरो सॉल्यूशन मतलब के की बात नहीं कर रहे हैं, नॉन जीरो सॉल्यूशन होमोजीनियस में होता है जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो, उसको बोलते हैं। अच्छा रहा आपने बता दिया, आपके दो आंसर आ रहे होंगे 0 और 2, तो है हाँ जो भी आ रहा हो 0 4, आपने सोचा नॉन जीरो मतलब ये नहीं लूंगा 4, तो इसका मतलब 1, नहीं गलत हो जाएगा, ये नॉन जीरो का यहाँ पे मीनिंग है नो सॉल्यूशन वाला, वो तो मतलब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, होमोजीनियस इक्वेशन में एक होता है ना इनफाइनाइट सॉल्यूशन, उसको लिखते नॉन जीरो भी, ये मिस्टेक हो सकती थी। चलिए अब यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या है, ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, ए इक्वल टू ए आई जे, बी इक्वल टू बी आई जे, बी टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एन,
एंड डिटर्मिनेंट ए डिनोटेड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछा। याद रखिए, जैसे ये दिया डिटर्मिनेंट सी ए, डिटर्मिनेंट से जब भी कोई चीज बाहर आती है तो उसके ऑर्डर के साथ आती है। क्या ऑर्डर दिया है? ऑर्डर एन, तो सी पावर एन डिटर्मिनेंट ए लिखना चाहिए, पर लिखा क्या है सी, तो यही करेक्ट, बाकी सब करेक्ट है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, ये डिटर्मिनेंट ऐसा लिख के बड़ा कंफ्यूज करते हैं, अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। डिटर्मिनेंट मतलब ये, डिटर्मिनेंट ए बी किसके इक्वल होता है? डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट, ये सही है। ए इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट होता है, पता है ना ये? तो ये भी सही है, सही नहीं लगाना, गलत वाला बताना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए और ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट कैसा होता है? सेम होता है। डन। अब ये 16, ये क्वेश्चन भी मैट्रिक्स का था, यानी 16 क्वेश्चन तक दो स्टेटिस्टिक्स के क्वेश्चन आए थे, बाकी 14 क्वेश्चन एलजेब्रा के थे। अभी और भी हो सकते हैं आगे, वो अभी पता चलेगा, पर 14 थे। अब इस क्वेश्चन का ये कौन सा है? कोऑर्डिनेट 2D का, और 2D में भी किसका? एलिप्स मतलब कॉनिक सेक्शन का। लिखते चलना एक एक चीज, नहीं तो आप इसको नहीं बढ़ा पाओगे, टॉप नहीं कर पाओगे। जब तक सब नहीं पता सही, जब तक कैसे टॉप करोगे? अब एक कंडीशन होती है, देखो मैं आपको बताऊं, आपको क्या पता होना चाहिए। अगर कभी सर्कल की इक्वेशन दी हुई हो और एक लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टेंजेंट हो, तो c क्या होता है? समझना, आपको क्या पता होना चाहिए कंडीशन ऑफ टेंजेंट। अगर पैराबोला दिया हो और लाइन दी हो, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है? ये केवल इसलिए बता रहा हूं कि आपको अगर इतनी बेसिक चीजें पता होंगी तो आप पेपर कर पाते हो, इंक्लूडिंग 23 भी पेपर इसी कंसेप्ट से होगा जितना आज बता रहा हूं, करवाऊंगा जब। तो अगर एलिप्स दिया हो और ये लाइन दी हो, तो कंडीशन क्या होती है? और अगर हाइपरबोला दिया हो, यहां लिख रहा हूं, ठीक है, अगर हाइपरबोला दिया हुआ, तो हाइपरबोला में अगर ये लाइन दी हो तो क्या होता है? c इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ध्यान रखना, इलिप्स और सर्कल एक स्पेशल केस है, तो इलिप्स सर्कल में a इक्वल टू क्या होता है? b, तो यहां पर बी स्क्वायर की जगह क्या लिख देते हैं आप? और ये a बाहर भी लिखा मिल सकता है, तो ये आती है कंडीशन सर्कल के केस में, पर सर्कल इलिप्स का एक स्पेशल केस है। ये चार कंडीशन लिखते चलो, कुछ नोट्स भी बनाते चलना, बहुत बेसिक चीजों के पता होने से टॉप कर लोगे आप। बस क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच आप धीरे धीरे मेरे साथ डेवलप करोगे, अभी क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक्स पे काम करना है। तो आप 17 नंबर के क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखिए, अभी तो क्वेश्चन किया ही नहीं, अभी ये एलिप्स दिया हुआ ऐसा, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 इक्वल टू 116 का डिवाइड कर दो। एंगल मतलब होता है एम, मतलब 10 थीटा, तो 1060 हो गया रूट 3। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है वाई इक्वल टू रूट 3x प्लस सी, मान लो। अब सी कैसे निकालोगे बता रहा हूं, तो पहले तो रूट 3 किसके साथ आना चाहिए? एक्स के साथ। यहां पर रूट 3x के साथ है, इसमें नहीं है, ये आंसर नहीं होगा, इसमें नहीं है, ये भी नहीं होगा, दो आंसर तो ऐसे ही रिजेक्ट हो गए। आपको एक और बात याद रखनी है कि ऑप्शन रिजेक्शन भी आना चाहिए, जिससे एक्यूरेसी लेवल बढ़े। अगर आपके 3 गलत होगा तो बचा हुआ आंसर अपने आप सही हो जाएगा। अब बताओ सी क्या होता? अभी बताया
ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस, तो ए कितना है, ए स्क्वायर कितना 16, एम कितना है रूट थ्री, रूट थ्री का स्क्वायर 3, बी वन है ये 7 आ गया, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर रूट थ्री एक्स प्लस 7, अब इसमें तो 8 है तो ये भी नहीं होगा, तो ये आंसर करेक्ट होगा। और ये जो मैंने चार कंडीशन लिखवाई, इस पे चारों कंडीशन पे क्वेश्चन आए हुए, मतलब इतना छोटा छोटा पढ़ाने पे भी आपके काम हो जाएंगे, बस याद रखना है पेपर तक, अगले 2 ढाई 3 महीने याद रखनी है सब चीजें। ओके मूव, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड सर्कल, कॉनिक सेक्शन और इलिप्स का कॉमन, मतलब सर्कल और इलिप्स का कॉमन क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन नंबर 2, बेसिक वीक है कोई बात नहीं, अभी धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग करो। अब देखिए पहले समझना, दो तरीके हैं इसके नंबर ऑफ पॉइंट निकालने के, या तो यहां पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू डाल के वाई निकाल लो कितनी जगह मीट करता है, या सही डायग्राम बना लो। अगर इस सर्कल को देखें तो इस सर्कल का सेंटर 0 0 है और रेडियस, अगर इस इलिप्स को देखें तो इसका सेंटर है 0,1, मेजर एक्सिस की लेंथ 2a होती है वो है 4, और माइनर एक्सिस की लेंथ 2b होती है वो है 6। तो अगर आप सर्कल बनाते तो ये बन गया सर्कल, ये 0 0 और रेडियस 2, ये होगा 2 0, वो सॉरी ये होगा 0 माइनस 2, 2 0 बोलो 0 2, और अब इलिप्स को अगर बन, ये सर्कल बनाया इलिप्स को बनाता तो मैं कैसे बनाता वो समझाता हूं। पहले तो ये वर्टिकल है जिसका डिनोमिनेटर, अब नहीं पढ़ा तो अभी हो सकता समझ में ना आए, जिस किसी ने नहीं पढ़ा घबराना मत समझना, इसका बाय बड़ा है तो वर्टिकल है, अच्छा इसका सेंटर है 0, इसको कंपेयर करते तो 0 1, तो 0 1 यहां आ गया, अब यहां से यहां तक 3 होगा और ऊपर जाएगा तो ये ऐसा जाएगा, तो एक जगह पे ये मीट कर रहा है, दो पॉइंट ये हैं, तो कितने पॉइंट 3 पॉइंट। और कोई भी क्वेश्चन जो आपको लगता है टाइम टेकिंग है लास्ट राउंड में करिए, जो लगता है आप डायरेक्ट कर सकते हो, जैसे इसको डायग्राम बना के कर रहे हो पहले राउंड में कर लो, लॉजिक से कर रहे हो पहले राउंड में कर लो, मेथड से कर रहे हो आखिरी में जाके कर लो, है ना। तो अगर किसी भी बच्चे को कहीं पे भी दिक्कत जा रही है समझने में, आप याद रखना ऑनलाइन में सभी को बोल रहा हूं, तो इसका मतलब प्रॉब्लम कहीं और है, प्रॉब्लम है कि आपने अभी इन टॉपिक्स को पढ़ा नहीं, अनटच है, पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए पहले 2 PYQ दिए, उसका पर्पस था कि आपको किस तरह से पढ़ना है ये बता पाऊं। ओके और ये नहीं आया समझ में तो कोई बात नहीं, लीव कर देना। ये देखिए ये प्रोग्रेशन का एलजेब्रा का एक क्वेश्चन और आ गया, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो समझो फिर सॉल्व करो, हो जाएगा।
अब देखिए यहां पे क्या लिखा है प्रोग्रेशन का, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हैज थ्री एज इट्स फर्स्ट टर्म, ऑल्सो द सम ऑफ फर्स्ट एट टर्म इज ट्वाइस द सम ऑफ फर्स्ट फाइव टर्म, वॉट इज द कॉमन डिफरेंस। पहले पढ़ो तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हैज थ्री एज फर्स्ट टर्म, पहला टर्म कितना है थ्री, क्या गिवन है, ऑल्सो द सम ऑफ फर्स्ट एट टर्म ट्वाइस द सम ऑफ फर्स्ट फाइव टर्म। कभी भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो बड़ा सिंपल लॉजिक है कि गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है। अब आपको यहां पर सम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जैसे टर्म का फॉर्मूला होता है एपी का ये, और सम का अब मान लो ये फॉर्मूला ही नहीं पता तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। अब एट टर्म मतलब हो गया एट बाय टू, टू ए प्लस 70, टू टाइम्स ऑफ फाइव बाय टू, बोलो टू ए प्लस 40, यस और नो। यहां पर ये टू से टू कैंसिल, यहां पर ये कैंसिल, फोर टाइम क्या हो गया एट ए प्लस 28d इक्वल टू 10a प्लस 20d, ये उधर गया तो कितना, ये उधर गया तो 2a इक्वल टू 8d, a इक्वल टू 40, और ये कितना है 3, 3 इक्वल टू 4d, तो d कितना आ गया। इतने बेसिक लेवल के क्वेश्चन आ जाते हैं आप सोचो, और अगर आप में से किसी को बार बार एक बात बोल रहा हूं नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब है आपको इन टॉपिक के अभी बेसिक बिल्कुल क्लियर नहीं है, पढ़ने पड़ेंगे और बिना पढ़े नहीं आएंगे। जो अभी मैं धीरे धीरे आज से क्वाड्रेटिक पढ़ाऊंगा तो धीरे धीरे आएंगे समझ में, ओके। अब देखिए यहां पे दिया ए प्लस बी प्लस सी जीरो, ये एलजेब्रा का क्वेश्चन है, एलजेब्रा जनरल मैथ्स का क्वेश्चन है, इसको कोई टॉपिक का नाम ना दो तो ज्यादा अच्छा है। अब यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका, वैसे तो इसमें आप वैल्यू ले सकते हो, ए की 2, बी की -1 और सी की भी 1 एंड 2 आंसर तो 3 होगा, कि अगर आप इसका एलसीएम लेते तो आपको मिलता ए बी सी, तो मिलता ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब एक्चुअल में इस क्वेश्चन को इसलिए बता रहा हूं कि आपको ये फॉर्मूला पता है कि नहीं, आप अपने आप, अच्छा जब मैं अभी जो जो फॉर्मूला लिख रहा हूं जैसे मैंने ये लिखी, अगर आपको पता है तो मतलब आपको थोड़ा सा आता है, नहीं पता बिल्कुल नहीं आता। अब जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला नहीं आता, मतलब आपको क्या क्या पढ़ना है, किस लेवल पे अगले 3 महीने में पता होना चाहिए। तो ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब, बोलो ए प्लस बी प्लस सी इन टू, ये फॉर्मूला होता है। अब आप सोचो कि आपको ए प्लस बी प्लस सी जीरो दिया क्वेश्चन में, तो इसका मतलब ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब क्या बचेगा 3abc, तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते थे 3abc, और नीचे भी क्या लिखा है तो कैंसिल होके क्या आ गया 3। तो वैल्यू से जल्दी इससे हो रहा फॉर्मूले से, बाकी वैल्यू से करना तो ये लेके कर लो अभी हो जाएगा। करके देखो 3 आंसर आएगा। अब आप बोलोगे सर ये सब क्वेश्चन आते हैं, कई बच्चे ऐसा बोलते हैं, पर पेपर के टाइम में नर्वस हो जाते हैं, हाथ पैर फूल जाते हैं, टाइम चल रहा होता है 70 मिनट, प्रेशर में आ जाते हैं, तो ये तो सबके लिए होता है। वो लेते ही ऐसे बच्चे हैं जो इन सब कंडीशन को हैंडल कर सके, अगर आप छोटी सी कंडीशन को हैंडल नहीं कर सकते तो कोई फायदा नहीं। जो करना है वो कहाँ करना है, एग्जामिनेशन हॉल में करना है। एक प्लेयर बोले मैं बहुत अच्छा खेलता हूं पर जैसे ही भीड़ दिखती है मैं खेल ही नहीं पाता, आउट हो जाता हूं, तो उस प्लेयर का खेलना है ना खेलना सब बराबर है, वही बात आपके ऊपर अप्लाई होती है। अगर आप प्रेशर हैंडल करना नहीं सीखोगे तो आप वही गलती करोगे। अभी तो बहुत मॉक दोगे, बहुत सारी चीजें इंप्रूव होंगी अभी। अब ये कैलकुलस का क्वेश्चन है पहला, ये अलजेब्रा का था, अब ये किसका है, कैलकुलस में लिमिट, टॉपिक का नाम है लिमिट। जिसको कि इस क्वेश्चन को हम सैंडविच थ्योरम के थ्रू करते हैं। ये पहले तो बताओ
साइन वन बाय एक्स सैंडविच थ्योरम क्या होती है कि तीन अलग अलग फंक्शन है, अगर वो एक ही कॉमन पॉइंट पे मिल रहा है, यानी जी एक्स लेस देन इक्वल टू एफ एक्स लेस देन इक्वल टू यू एक्स, अगर इस पे लिमिट लगवाई जाए एक्स टेंस टू ए, तो अगर लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए यू एक्स हो, मतलब ये लिमिट और ये लिमिट बराबर हो, तो हम बोल सकते हैं ये भी इन दोनों के बराबर होगा। दिस इज कॉल्ड सैंडविच थ्योरम। इस क्वेश्चन में कई सारे बच्चे छोड़ सकते हैं कि साइन वन बाय जीरो तो इन्फिनिटी होता है, नहीं करना है उसको, क्या करना भी बता रहा हूं। अरे पिछले क्वेश्चन में वैल्यू ऐसे लिए कि ये लिखा हुआ ए बी सी का सम जीरो है, कोई भी तीन ऐसी वैल्यू जिसको ऐड करने पे जीरो मिले, इसलिए टू माइनस वन लिए। आपका मर्जी है, आप फोर ले लो तो दो वैल्यू कैसी लेनी पड़ेंगे। अगर आप मान लो ए थ्री ले रहे हो तो बी माइनस वन ले लो, सी माइनस टू ले लो, तीनों वैल्यू का सम, यही तो कह रहा हूं। छोटी छोटी चीजें देखो ध्यान से। ये सैंडविच थ्योरम ये कहती है कि अगर ये दोनों फंक्शन की वैल्यू सेम है तो इसकी भी। अब कैसे करते हैं सैंडविच थ्योरम से बता रहा हूं। सबसे पहले साइन वन बाय एक्स ऑक्सिलेट करता है किससे, वन से माइनस वन के बीच में, ये आप लोगों को पता है कि अगर एक्स की जगह जीरो रख दूं तो ये माइनस वन से प्लस वन होगा। अब इसमें ई है तो दोनों तरफ ई ले लो, तो ई पावर माइनस वन लेस देन इक्वल टू ई पावर, अब इसमें कितने का मल्टीप्लाई है तो पूरी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाय ई। अब अलग से बताइए लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स स्क्वायर अपॉन ई क्या होगा, जीरो। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स स्क्वायर ई कितना होगा, तो अगर ये जीरो है और ये जीरो है तो ये भी कितना रहेगा, जीरो। अब जीरो है ऑप्शन में तो क्या आंसर दोगे, नन। पर सबसे ज्यादा बच्चे इसका आंसर लगाया के आए थे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, जो कि गलत है। अगर ये एक्स स्क्वायर नहीं होता तो भी आंसर होता। ये हाईएस्ट मिस्टेक क्वेश्चन है, याद रखना ये जो मैं बोलता हूं हाईएस्ट मिस्टेक क्वेश्चन, ये भी ध्यान रखना। ओके देखो ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का कर्व वैसा बनता है, पर जीरो पर रोकना है, ये टू साइन एक्स है, साइन स्क्वायर का ऐसा बनता है, तो ये एक टर्निंग पॉइंट है जो जीरो पे आएगा, तो पूछा किस पे, जीरो पे, और जीरो पे सबसे छोटी वैल्यू क्या है, जीरो ही, तो क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये जब कैलकुलस पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, ये कैलकुलस का मैक्सिमम मिनिमम टॉपिक का क्वेश्चन था, कैलकुलस का सेकंड क्वेश्चन। डन, नेक्स्ट। ये कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है, देखिए कंटिन्यूटी का कभी भी और लिखा हो कंटिन्यूस है तो बस इसकी लिमिट चेक कर लिया करो, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन टू एक्स, इसको सॉल्व करना है, एक्स कॉमन निकल के कैंसिल, तो क्या मिलेगा, एक्स माइनस वन अपॉन ये कैंसिल, और एक्स की अगर जीरो रख दो तो क्या बच गया, माइनस वन बाय टू, क्या आंसर आएगा, नन ऑफ दिस। नन लगाने में हमेशा डरते हैं हम। नेक्स्ट, ये किसका क्वेश्चन था, कंटिन्यूटी का, कैलकुलस का क्वेश्चन नंबर थ्री। नेक्स्ट, ये इंक्रीजिंग लिखा है, इंक्रीजिंग मतलब मैक्सिमा मिनिमा, कैलकुलस का क्वेश्चन करिए। अब कभी भी याद रखना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन हो, यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव,
एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मतलब हुआ, अगर इंक्रीजिंग है तो एफ डेस एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा और डिक्रीजिंग है तो एफ डेस एक्स लेस देन जीरो होगा। तो यहां पे इंक्रीजिंग वर्ड यूज किया है, करिए तो बाय है, बाय मतलब वही डी वाई बाई डी एक्स करिए, दिस इज कॉल्ड एफ डैश। बोलो 2x³ e⁻ x + 6x² e⁻ x, एक्स स्क्वायर कॉमन, 2 कॉमन, क्या कॉमन, e⁻ x कॉमन, बताओ क्या बचा, x + 3। अब इसका ब्रेकिंग पॉइंट, अच्छा ये इवन पावर है, इवन पावर के को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जब पढ़ाऊंगा तो ये सब चीजें समझाऊंगा। तो अब आपको एक तरह से मिला -3, जीरो बीच में आएगा जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो आप इंक्रीजिंग के लिए पॉजिटिव देखोगे तो आप लिखोगे -3 to 0 यूनियन ऑफ 0 to, ये देखो गलती से ये मत लगा देना क्योंकि जीरो पे वो मैक्सिमम मिनिमा नहीं है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। इसमें हाईएस्ट मिस्टेक क्वेश्चन है, इसमें मिस्टेक हो सकती है। इंक्रीजिंग का मतलब इंक्रीजिंग ही होता है, उसमें स्ट्रिक्टली का नहीं, इसलिए तो बोला ये ओवर, अगर आपने अपना दिमाग चला लिया तो आप सही क्वेश्चन भी पेपर में गलत कराएंगे। इंक्रीजिंग मतलब इंक्रीजिंग ही देखना होता है, स्ट्रिक्टली लिखा हो तो ठीक, ना लिखा हो तो ठीक, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो ही लेंगे। ऐसी तो मिस्टेक होती है छोटी छोटी पेपर में, हम बोलते हैं गलत हो गए, 8-10 गलत हो गए, 15 गलत हो गए, क्यों हो गए, एक्स स्क्वायर और इवन पावर है, इवन पावर नेचर को टर्न नहीं करता तो पॉजिटिव ही रहेगा, पर वो एक हल्का सा टर्न आता है जिसपे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं होता है, तो इसलिए उस पॉइंट को छोड़ना पड़ता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। अब ये इंटीग्रल का क्वेश्चन है, कैलकुलस का क्वेश्चन नेक्स्ट, कितने हो गए कैलकुलस के, 4-5 हो गए, 1, 2, 3, 4 और 5। अच्छा ये पहले ऑफलाइन पेपर होता था तो लाइन से आते थे, अब तो ऑनलाइन होता है तो ऑनलाइन में रेंडमली क्वेश्चन होते हैं, एक इंटीग्रल का होगा, एक एलजेब्रा का होगा, एक स्टेटिस्टिक्स का होगा, बड़ी दिक्कत है, और वो मिस्टेक हो सकती है जीरो वाली इस क्वेश्चन में, ये कई लोग इसमें ओवर मिस्टेक कर सकते हैं, बी केयरफुल। ये इंटीग्रल का एक टाइप है ये वाला, साइन की पावर 4x इंटू cos² x, अगर दोनों पावर का सम इवन निगेटिव इंटीजर हो, ये इंटीग्रल में जब बताया था मैंने 4+2 माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस, इवन निगेटिव इंटीजर हो तो क्या करते हैं, टेन एक्स को टी माना जाता है और इसका डिफरेंशिएशन होता है sec² x dx = dt। अब क्वेश्चन आएगा 10 तो है ही नहीं, तो 10 कैसे आएगा, साइन की पावर 4 है तो कॉस की पावर 4 का डिवाइड, कॉस की पावर 4 का मल्टीप्लाई, ये हो गया 10, ये कॉस ऊपर ये भी ऊपर, तो बोलो sec पावर 4x इंटू sec² x, एक्चुअल में sec भी लिख सकते थे पर ऐसा लिख दो। अब इस sec पावर 4x को लिखोगे, ये सब टाइप पता होना चाहिए आपको इंटीग्रल की, नहीं तो आप इंटीग्रल का ये टाइप कर नहीं पाओगे, आप करोगे तो हो जाएगा। अब क्या होगा, इसको टी माना तो ये ऐसा हो जाएगा, तो ये जाएगा t की पावर -2
अपॉन माइनस टू प्लस टू टी की पावर माइनस वन अपॉन प्लस टी। अब एक एक करके बैलेंस कर लेते हैं, क्या हो गया? हाँ यहाँ पर टी की पावर फोर हो गया, तो ये माइनस थ्री होगा। तो देखो माइनस वन बाय थ्री ये हो गया, हमें तो के से मतलब है, तो के किस में, के इंटू टेन एक्स यहाँ आएगा, तो के की वैल्यू कितनी आ गई? वन। आपको जिस बात से मतलब है उस पर फोकस रखो, बाकी आप पूरा लिख लो। आप लिखते तो आपको ऐसा मिलता माइनस वन बाय थ्री टी क्यूब माइनस वन बाय टू टी प्लस सी। अब टी मतलब टेन है, तो माइनस वन बाय थ्री कॉट क्यूब एक्स माइनस वन बाय टू कॉट एक्स, नहीं माइनस वन बाय टू नहीं, टू था ये, टू माइनस टू कॉट एक्स और प्लस टेन एक्स प्लस सी, बस कंपेयर कर दो। अब ये क्वेश्चन टफ नहीं है, पर इसके लिए अगर इंटीग्रल का टाइप ही नहीं पता होगा तो नहीं कर सकते। यानी इंटीग्रल जब पढ़ो, और इंटीग्रल की ब्यूटी, इंटीग्रल पूरा पढ़ना पड़ेगा डिटेल में, और सारी टाइप पता होगी तो कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। क्लियर? अब ये एक टाइप है ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस, तो ये जाएगा ई पावर एक्स, ये डायरेक्ट फॉर्म होती है ई पावर एक्स, इसका आंसर होता है एफ एक्स। तो आप देखो ये ऐसा है, ये कितना सिंपल क्वेश्चन है, ये सेकेंड स्क्वायर एक्स है, और ये बोलो एक कॉस कैंसिल तो कितना टेन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशियल सेकेंड स्क्वायर एक्स होता है, तो आंसर क्या होगा? ई पावर एक्स टेन एक्स। कौन सा? सोचो आप कितने सिंपल क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। ठीक, इंटीग्रल का दूसरा क्वेश्चन, और ये दोनों ही क्वेश्चन इंटीग्रल के वो हैं जो काफी आगे जाके मिलते हैं, मतलब ये भी आखिरी में, और ये तो प्रोडक्ट फॉर्मूला वाला है, बिल्कुल बुक में एंड में मिलेगा। इंटीग्रल टॉपिक ही ऐसा है, जब कैलकुलस पढ़ेंगे दोबारा तो बताऊंगा। ये किसका है? डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, इसमें एन की वैल्यू भी लेके कर सकते हैं, एन की वैल्यू वन या टू लेके कर सकते हैं, वन ले लो तो भी हो जाएगा, टू लेके कर लो। अगर आप एन की वैल्यू टू ले लोगे तो आई टू, आई टू क्या हो जाएगा? जीरो टू ए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और आपको बताना क्या आई टू एंड आई वन के बीच में रिलेशन। आई वन क्या होगा बताओ? ये आई टू है तो आई वन क्या होगा? ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। टेस्ट पेपर में कुछ गलत प्रिंट था क्या? नहीं था? अगर पेपर में गलत प्रिंट था तो अभी सही कर लीजिए। इसमें एक्चुअल में एन की वैल्यू वन लेने में बताओ क्या नुकसान है? आंसर सेम हो जाएंगे। अरे एन की वैल्यू वन ली तो ये आंसर, ये आंसर, ये दोनों आंसर सेम है, और ये दोनों आंसर, इसलिए एन की वैल्यू टू लेके सॉल्व करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये भी डेफिनेट का प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कर लेना आप। माइनस टू टू प्लस टू, ऑड फंक्शन का रिजल्ट जीरो होता है, ऑड फंक्शन है जीरो। माइनस टू टू प्लस टू बी एक्स क्यू, ऑड फंक्शन है रिजल्ट जीरो, पर सी इवन है, तो किस पर डिपेंड करेगा? सी पर, ना बी पर, ना ए पर, ए पर ना ए एंड बी पर। डेफिनेट की प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, कैलकुलस का क्वेश्चन नंबर एट। अभी जब एंड में आप जाओगे तो आप ऐसा समझ जाओगे कि कोई टॉपिक नहीं छोड़ सकता, हर टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। कोई सोचे मैं कैलकुलस छोड़ दूं, आठ तो हो ही गए अभी तक। ये कॉनिक, ये उसका एरिया अंडर कर्व का,
फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन वाई इक्वल टू, जब कैलकुलस का रिवीजन करवाऊंगा तो कुछ क्वेश्चन उस समय बताऊंगा, वाई इक्वल टू 3 - x एंड पैराबोला, कैलकुलस पढ़ाने वाला हूँ, रिवीजन भी करवाऊंगा तो समझाऊंगा। अब ये कितने होगा, एक मिनट रुको, थोड़ा इसमें कंसेप्ट ज्यादा लगेगा, इतना पढ़ाया नहीं इसलिए अभी नहीं बता रहा। 9 हो गए, ठीक। अब किसका आ गया ये, अब यहां से वेक्टर चालू हो गई, वेक्टर भी डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, अभी से बता रहा हूं, वेक्टर भी डिटेल में पढ़ाऊंगा, वेक्टर के भी कई क्वेश्चन आते हैं, गिनो जरा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 क्वेश्चन केवल और केवल किसके हैं, वेक्टर जैसे छोटे टॉपिक के हैं। 10-12 क्वेश्चन किसके, पीएनसी प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन के हैं, मतलब 20 क्वेश्चन के आसपास है। इसलिए मैंने प्लान किया कि अभी वाले सेशन में दोबारा पूरा डिटेल पढ़ा दूंगा, जिसको नहीं आता दोबारा पढ़ लो, आता तो मलको मत पढ़ो, फिर टेस्ट दो, क्योंकि अब आपको ज्यादा पढ़ना भी नहीं, इतना मतलब इतना कुछ करना पड़ेगा। चलो वापस आते हैं क्वेश्चन पे, यहीं से ना, यहां से सॉरी। अब ABC3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर बोला है, अब ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पे बेस्ड है, ABC3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर, तो आप चाहो तो ये भी कर सकते थे, A को क्या मान लो, I, B को क्या मान लो, J, और C को क्या मान लो, K, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब वेक्टर पढ़ाऊंगा डिटेल में तो समझाऊंगा। और याद रखना ऐसा, ये आई, ये जे और ये के, अगर आप ए क्रॉस, जैसे आई क्रॉस जे करोगे तो क्या मिलेगा, के, पर जे क्रॉस आई करोगे तो माइनस के, ऐसी छोटी छोटी बातें याद रखनी है। सबसे पहले अंदर वाले रिजल्ट को सोचते हैं, बाहर वाले को बाद में कर लेंगे। तो बताओ ए प्लस बी मतलब आई प्लस जे क्रॉस कितना, आई प्लस के। अब सुनो, आई से आई का मल्टीप्लाई, ए क्रॉस ए, जिनको वेक्टर आती है उनको ये समझ में आएगा, जिनको नहीं आती घबराना मत, दोबारा पूरा पढ़ाऊंगा। आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस आई, अब जे क्रॉस आई ये क्लॉकवाइज है तो माइनस ऑफ के, अब के आई क्रॉस के, आई क्रॉस के बोलो माइनस का जे, और जे क्रॉस के, जे क्रॉस के एंटी क्लॉकवाइज ही है तो बोलो किसका, प्लस का आई। तो मतलब एक तरह से मिल गया आई माइनस जे माइनस के, और बाहर क्या लिखा है, आई प्लस जे प्लस के इन डॉट आई माइनस जे माइनस के, आई से आई का हुआ 1, माइनस 1 माइनस 1, तो बचा क्या, माइनस 1, तो माइनस ए बी सी। याद रखना एबीसी इक्वल टू होता है 1, अगर आईजे के ले रहे हो तो माइनस है तो माइनस एबीसी। बहुत सारी ट्रिक्स सीखोगे अभी वेक्टर जब पढ़ाऊंगा डिटेल में। तो ओके, बिना उसके भी कर सकते थे, ऐसा नहीं कि इसको ऐसे ही करना पड़े। अब आपको याद रखना पड़ेगा ए डॉट बी क्रॉस सी को ही हम बोलते हैं क्या, ए बी सी। डन, ये एक फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट फोर्स का, F1² + F2² + 2F1F2 cos थीटा।
अब यहां दिया टू फोर्सेज एफ1 एफ2 आर यूज्ड टू पुल अ कार विद मीट एंड एक्सटेंड द एंगल बिटवीन टू फोर्सेज थीटा द वैल्यू ऑफ थीटा इफ रिजल्टेंट फोर्स दिस। अब रिजल्टेंट फोर्स ये तो थीटा क्या होगा 90 होगा जब भी, तो ये टर्म नहीं है। ये वेक्टर का क्वेश्चन नंबर 3। जीरो तीन बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये, अभी पढ़ाने पे आएगा समझ में। ए बी सी डी आर फोर वेक्टर सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इज कॉलिनियर विथ ए, ए प्लस बी प्लस सी किसके कॉलिनियर है, ए के, और बी प्लस सी प्लस डी किसके, ये ए नहीं लिखना था, हाँ वहां कुछ गलत दिया, पर खैर अभी तो मैं जब डिटेल पढ़ाऊंगा जब समझा दूंगा, वो गलत दिया वैसे। अब ये देखिए फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 531 यूनिट आर एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ दिस दिस रिस्पेक्टिवली ऑन द, ये किसका क्वेश्चन है, वर्क डन का। वर्क डन क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या क्या है, एक 5 यूनिट है, एक 3 है और एक 1 है। 5 यूनिट की डायरेक्शन क्या है, 6i 2j 3k, ये डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन देने के लिए इसके यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो F1 फोर्स ये कहलाएगा 5, इसका मॉड बताओ कितना 36, 4 और 9 7, और ऐसे लिखोगे। कभी भी किसी वेक्टर को डायरेक्शन देना है तो यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं। F2 क्या है, 3 यूनिट, और इसका वो क्या डायरेक्शन 3i माइनस 2j प्लस 6k, इसमें भी 7 का ही डिवाइड होगा क्योंकि इसका मॉड 7 है। और F3 कितना है, 1 यूनिट, और इसमें भी 7 का ही डिवाइड होगा। और तीनों फोर्स को जब ऐड करते हो तो रिजल्टेंट फोर्स मिलता है, यानी F1 प्लस F2 प्लस, जिन टॉपिक को मैं डिटेल में पढ़ाने वाला उनके क्वेश्चंस पे अभी ज्यादा काम नहीं करूंगा, ये रिजल्टेंट फोर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। वन माइनस टू माइनस आई प्लस 0j प्लस 2k। सही है, नहीं, 5 था और ये 2 था, सॉरी, तो ए बी हो जाएगा 3i प्लस 0j प्लस 4k, और अभी इनको ऐड करना है, ये पूरा मिला के फोर्स होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट मिलेगा। तो अब जैसे मैंने खुद प्लान किया हुआ कि वेक्टर पूरा पढ़ाऊंगा, इसलिए इसके क्वेश्चन पे अभी ज्यादा काम नहीं करेंगे, जिन टॉपिक को डिटेल में पढ़ाऊंगा उसको पढ़ाने के बाद, जिनको अभी शॉर्ट में पढ़ाऊंगा उनको अभी से। और अब आप आज से पढ़ना चालू करोगे एलजेब्रा, अभी उसमें क्लास आ जाएगी आपको। क्या आएगा आंसर, 30 कर लेना आप लोग जिनको आता है। ये सेक्शन फॉर्मूला है, सीधा सीधा सेक्शन फॉर्मूला पूछ लिया। ए का पोजीशन वेक्टर क्या है, ए, बी का पोजीशन वेक्टर बी, पी डिवाइडिंग किस रेशो में, एम बाय एन, तो एम बी प्लस एन ए अपॉन, कहाँ है ये, इसमें छपा नहीं है पर वो एम है, नहीं एन होगा, एन ए। मतलब आप सोचो डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, ये भी वही है सेम क्वेश्चन। ये ट्रायंगल का टाइप पूछा तो वर्टेक्स दिए हुए, 1 माइनस 2 2 2 1 माइनस 1 एंड 3 माइनस 1 2। डिस्टेंस फॉर्मूले से आप ट्रायंगल का टाइप पता कर सकते हैं, ये बात काफी सिंपल क्वेश्चन था। पिछला क्वेश्चन समझाना तो समझा दूंगा, अभी ये समझना तो।
तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है वो तो पता ही आपको, इन दोनों का डिस्टेंस का स्क्वायर, 1 प्लस 9 प्लस 9 कितना, √19। इसका डिस्टेंस बताओ, 1 प्लस 4 प्लस 9 √14। इसका डिस्टेंस बताओ, 4 प्लस 1 प्लस 0 √5। इन दोनों का स्क्वायर इसके बराबर है, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल। वेक्टर का काम ही नहीं है। यस, ये दो क्वेश्चन, ये वाला और ये वाला क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन है। एक ही साल में एक जैसे दो क्वेश्चन पूछे गए थे, दोनों के आंसर क्या है, दोनों को। जैसे इसको समझा देता हूं, ए बी सी, वो इसको समझ लोगे तो वो समझ लोगे। ए बी सी आर 3 नॉन जीरो वैक्टर, नो टू ऑफ विच आर कॉलिनियर, बट ए प्लस टू बी क्या बोला है, कॉलिनियर विथ सी। दो वैक्टर कॉलिनियर होते हैं तो ऐसा लिख सकते हो। एंड बी प्लस थ्री सी इज कॉलिनियर विथ ए, तो इसको म्यू ए लिख दो, ये बोला है। तो अब आपको बताना है वैल्यू किसकी। अब आप सोच लो, ये पी वेक्टर है, इसकी पी वेक्टर पी बताना है आपको, क्या है पी, ए प्लस टू बी प्लस सिक्स सी, ऐसा सोच लीजिए। तो अब ए प्लस टू बी को क्या लिख सकते हो, लैम्डा सी, तो लैम्डा सी प्लस सिक्स सी। तो आप सी वेक्टर को ऐसा भी लिख सकते हो, लैम्डा प्लस सिक्स। सिमिलरली पी वेक्टर को बी प्लस थ्री सी, इसमें टू कॉमन ले लो तो क्या लिख सकते हो बताओ, 2 टाइम्स ऑफ म्यू ए। या ए वेक्टर इक्वल टू बोलो 1 प्लस 2 म्यू, और क्वेश्चन में मेंशन है ए बी सी आर 3 नॉन जीरो वेक्टर विथ नो टू विच आर कॉलिनियर। तो एक बात आपको पता है कि ए वेक्टर किसके कॉल, वो नहीं है, ये ए है, और वो कितना निकाला था सी। ए वेक्टर कॉलिनियर नहीं है किसके, सी के, तो ऐसा नहीं लिख सकते। अब ये दोनों आपस में तो इक्वल होंगे ना, पी पी, तो सी वेक्टर इंटू लेमडा प्लस सिक्स इक्वल टू, मैं बोल रहा हूँ ए वेक्टर इंटू 1 प्लस 2 म्यू, पर ऐसा लिख नहीं सकते क्योंकि बोला है कॉलिनियर नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों इंडिविजुअल क्या होंगे, जीरो। इसलिए आंसर होता है, इसलिए आंसर होता है जीरो। वर्टेक्स और वर्टेक्स एक ही बात है, वर्टेक्स मतलब सिंगल, वर्टेक्स मतलब वन, मोर देन वन। अब ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड मतलब वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होता है बेटा, सीधा सीधा। तो बस सीधा सीधा आपको दिया है इसका, 2 3 4 1 a 2 1 2 दिस इक्वल टू कितना, 15। तो a की वैल्यू निकालना है, मतलब इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए। अब वेक्टर इतना अच्छा टॉपिक है, स्कोरिंग कर लोगे, मतलब कुछ टॉपिक बहुत मजबूत बनाना है, जिसमें स्पेशली मैं बता रहा हूं सेट, पी एंड सी, प्रोबेबिलिटी, वेक्टर, यही मिला के 20 क्वेश्चन होते हैं। बट हो सकता है कभी कभार वेक्टर का एकाध क्वेश्चन ना बने या इसका एकाध, उसकी चिंता नहीं, पर कम से कम मैं ये बिल्कुल श्योर हूं कि इसको इतना अच्छे से कवर कर लें कि अगर 20 क्वेश्चन आए तो 18 करके आओ, और मैं 20 नहीं बोलूंगा, जितने भी आए उसका 90% तो करके आओ, क्योंकि हम ये बोलेंगे तो गलत जाएंगे। हो सकता है 10 आए, हो सकता है 20 आए, हो सकता है 25 आए, हो सकता है 5 ही आए, पर ये बड़े मेजर और इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है ये। अब ये किसका क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री आ गई, अब यहां से ट्रिग्नोमेट्री हेडिंग में डाल दो। अब ट्रिग्नोमेट्री के कितने आए जरा गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्वेश्चन किसके हैं। तो अब आप ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं छोड़ सकते, याद रखना, छोड़ना कुछ नहीं, यही तो एक गलत वे में, इसलिए मैंने आज आपको गिनवाना चालू किया। अब इसको तो ऑप्शन से भी कर सकते हो, देखो क्या है, sin²x - sin x = 2, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता अनलेस एंड अनटिल कि दोनों -1 -1 हो। तो अगर मैं π/2 रख दूं माइनस का, मतलब बेसिकली 3π/2 रख दूं, तो sin 3π/2 कितना होता है, -1, तो -1 का स्क्वायर, तो ये आ गया 2।
पर जीरो से टू पाई में थ्री पाई बाई टू आता है, जो कि कहीं दिया नहीं है ऑप्शन में, दिया है तो आंसर, अब इसमें बच्चे आंसर लगा के आए थे माइनस पाई बाई टू, इज नॉट रॉन्ग, रॉन्ग नहीं है, क्यों नहीं है देखो, माइनस पाई बाई टू रखो, साइन माइनस पाई बाई टू का स्क्वायर, साइन माइनस पाई बाई टू हो गया माइनस वन का स्क्वायर, माइनस वन प्लस वन कितना आ गया टू, पर दिक्कत क्या थी बताओ, क्यों नहीं आंसर है, क्योंकि आपको जीरो से टू पाई में जाना था, इसलिए आंसर ये नहीं हो सकता था, ये नहीं दिया होता तो ये आंसर हो जाता, क्या दिक्कत है। क्लियर, और थ्री पाई बाई टू कोई ऑप्शन है कहीं दिख रहा है तो आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज, लगाएंगे नहीं लोग, पर ये बता रहा हूं मैं आपको, सब अधिकतर बच्चे लगा के आ गए थे और गलत भी नहीं था ना, पर अगर आपने इस पे ध्यान, यही तो छोटी छोटी चीजें हैं जिन पे ध्यान देना है जो आप एनालिसिस के साथ सीखोगे मेरे, क्योंकि एनालिसिस प्रिंटेड में ये चीज क्लिक करे ना करे पर मेरे साथ कर जाएगी। ये देखो अब तीन चीजें इक्वल दी है, टेन एक्स अपॉन टू, टेन बाय अपॉन थ्री, टेन जेड अपॉन फाइव, ले लो लेमडा, तो टेन एक्स कितना टू लेमडा, टेन वाई थ्री लेमडा, टेन जेड फाइव लेमडा, यस और नो। अब याद रखना, अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड पाई दिया है तो टेन एक्स प्लस टेन वाई प्लस टेन जेड इक्वल टू होता है टेन एक्स टेन वाई टेन जेड, ये रिजल्ट याद रखना। और अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड पाई बाई टू दिया है तो टेन एक्स टेन वाई प्लस टेन वाई टेन जेड प्लस टेन जेड टेन एक्स क्या होता है, वन, ये इसकी कंडीशन है, ये इसकी कंडीशन है। अभी क्लास के बाद में आपके जो क्वेश्चन है उनकी बात करूंगा। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे बता रहा हूं। अब आपके पास ये रिजल्ट है, यहां पे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू पाई, ठीक है, तो आप टेन एक्स टेन वाई टेन जेड की वैल्यू रखो, टू लैम्डा थ्री लैम्डा फाइव लेमडा, यहां मल्टीप्लाई टू लेमडा थ्री लेमडा फाइव लेमडा, एट टेन लेमडा इक्वल टू थर्टी लेमडा, तो लेम क्यूब, तो लेमडा स्क्वायर इक्वल टू वन बाय थ्री। अब अपॉन थ्री एक ही में तो यही आंसर होगा, पर क्यों बता रहा हूं, आपसे पूछा क्या, टेन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स क्या होगा, अभी लिखा था ना, फोर लेमडा स्क्वायर नाइन लेमडा स्क्वायर ट्वेंटी फाइव लेमडा स्क्वायर बाहर, तो ये हो गया 38 और लेमडा स्क्वायर की वैल्यू 1 बाय 3 है। ओके, डन, स्टैंडर्ड है, कितना, एक फॉर्मूला होता है, अब देखो आपको ये फॉर्मूला याद होगा तो बहुत जल्दी होगा, साइन है, साइन 60 माइनस ए साइन ए इक्वल टू, बोलो शाबाश, 1 बाय 4 साइन 3 ए। तो अगर आप ध्यान दो, अब देखो ऐसी छोटी छोटी चीजें पढ़ने पे आएंगी, साइन 12 साइन 60 माइनस 12 एंड साइन 60 प्लस 12, ठीक है, अब आपको वैसा नहीं दिख रहा होगा, वो 54 है, वो कोई उससे दिक्कत नहीं, कॉस में कन्वर्ट कर लो, हाँ इस फॉर्मूले से नहीं होगा कोई बात नहीं, अपन दूसरे से कर लेंगे इसको, पर वैसे ये फॉर्मूला लिख लो, ये फॉर्मूले से नहीं होगा, ये अलग बात है, पर आपको बता रहा हूं फॉर्मूला तो काम आएगा ही आपके आगे। अब इसका लॉजिक बता देता हूं, इसमें आप यूज करिए टू साइन ए साइन बी, दिस इज कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस
ए प्लस बी, ये छोटी छोटी चीजें पता होना चाहिए। अगर आप आज से भी, मैं बोल रहा हूँ, ईमानदारी से मेहनत कर लो ना, 3 महीने में मैं करवा दूंगा आपको। जितना मेजर पोर्शन है वो डिटेल में, नॉन मेजर पोर्शन शॉर्ट में, जो इंपॉर्टेंट है, बस अगले 3 महीने भूतों की तरह पढ़ाई कर लो। भूतों की तरह, जानते हो आप, आपने सुना होगा घर में बोलते हैं भूत पीछे पड़ गए। हाँ, तो भूतों की तरह पढ़ना पड़ेगा। और उस फॉर्मूले से भी कैसे कर सकते हैं वो भी बताता हूँ, पर पहले इससे बता देता हूँ। तो आप देखो, आपने 2 का मल्टीप्लाई किया 2 का डिवाइड, तो बताओ 1/2, 2 sin A sin B, cos A माइनस B, cos 36 माइनस cos A + B cos 60 into sin 54। क्यों? अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 cos 36 sin 54, cos 60 की वैल्यू 1/2, 1/4 sin, अब इसको ऐसे लिखा रहने दो, इसमें फिर 2 sin A sin B लगा दो, 2 sin A cos B। sin A + B +sin A। अच्छा, एक बात याद रखना, 3 फैक्टर है तो 1/8 आएगा, ये ट्रिक होती है। 4 फैक्टर है 1/16। क्या ये 10 है? और एक काम और कर सकते थे, यहां पे जाके वैल्यू डाल दो, 1/2 cos 36 की वैल्यू बोलो, √5 + 1/4 माइनस 1/2 sin 54 इज इज ऑल्सो cos 36, तो √5, बस खत्म। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 1/2 ऐसे ही रहने दो, √5 - 1/4, √5 + 1/4 एंड दिस इज 1/8, ऐसा कर सकते थे। क्लियर? अब मान लो आपको वाला फॉर्मूला यूज करना था, वो भी बताता हूं कैसे करेंगे। sin 60 - 12, तो 72 होना चाहिए। 72 नहीं है तो क्या हुआ? बनाया जा सकता है, कैसे बताओ? sin 12 sin 48 sin 72 sin 54 upon sin 72। क्या किया? 72 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब ये फॉर्मूला होता है 1/3 वो 1/4 sin 3 है, तो आप लिखते हैं 1/4 sin 12 3 36 इंटू कितना? sin 54 अपॉन बोलो sin 72। ये सब एंगल की वैल्यू आपको पता है। ये किसके इक्वल होता है? 1/4 cos 36 के, तो sin 36 cos 36 अपॉन sin 72, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, ये दोनों हो जाते हैं sin 72, 72 कैंसिल, 1/8। किसी भी क्वेश्चन को करने के कई तरीके हो सकते हैं, बस जो आपको पेपर में क्लिक कर जाए वो इंपॉर्टेंट है। क्लियर?
अब देखो कहने को ये बहुत ही सारा क्वेश्चन था, फिर भी लोग इसमें इसमें बहुत टाइम खराब किया लोगों ने, मतलब 10-10 मिनट खराब कराए थे। एक क्वेश्चन को 2 मिनट से ज्यादा नहीं देना है, 50 क्वेश्चन है। अगर आप सोचो एक क्वेश्चन को 2 मिनट भी दोगे तो 70 मिनट में कितने होंगे, 35। अगर आपने 5 मिनट या उससे ज्यादा दे दी तो 12 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन होंगे, समझ जाओ 70 मिनट इक्वल टू 14 क्वेश्चन। बहुत स्पीड का रोल है इस बार, इस बार का पेपर बहुत अलग तरीके से सॉल्व करने की टेक्निक डेवलप करनी पड़ेगी। अब देखिए cos x इक्वल टू tan y, यहां पर cot y इक्वल टू tan z, समझना, और cot z इक्वल टू tan x। पहले पूछा क्या है, sin x, मतलब पूरा आंसर x के टर्म में निकालना है। बताओ tan y, यहां पे cot y तो tan y कितना हो गया, cot z, और cot z कितना है तो tan y को क्या लिख सकते हो, tan x। तो tan y की जगह क्या लिख दिया, अब देखो कितना इजी हो गया, tan x। अब दोनों x के फंक्शन हो गए, sin अपॉन cos लिखो तो cos square x इक्वल टू sin x, cos square को क्या लिख सकते हो इक्वल टू, ये बन गई sin की क्वाड्रेटिक, sin square x प्लस sin x माइनस 1 इक्वल टू 0। sin x क्या आ जाएगा, माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5 बाय 4, माइनस 1 प्लस रूट 5 बाय 4, माइनस 1 माइनस रूट 5 बाय 4। कौन सा आंसर दोगे, हाँ डी, यस और नो। अच्छा अपॉन 2 आएगा तो 2 कर लो, तो 2 कहाँ है, हाँ ए में, सॉरी ए में। क्लियर, थोड़े से क्वेश्चन बचे। अब इतना ये तक इतना सारा क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला है ये 10 45, पर इसमें क्या इंपॉर्टेंट है बताता हूं। थीटा बाय 2, चाहो तो थीटा की वैल्यू मान लो, थीटा की वैल्यू ले लो 0, तो 10 45 कितना 1। देखो 1 कौन दे रहा है, 0 रखा तो ये माइनस 1 दे रहा है, नहीं 0 रखा ये भी माइनस 1 दे रहा है, नहीं 0 रखा कॉट 0 डिफाइंड नहीं है, नहीं 0 रखा ये हो गया। ओपन तो कर ही सकते हो, खैर 10 ए प्लस बी से अपने आप में बहुत सारा क्वेश्चन है वो, उसमें मतलब कुछ 0 रखने की जरूरत भी नहीं थी, ऐसा करना था 1 प्लस अपॉन 1 माइनस, अब इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करके रेशलाइज करना था, पर तो भी टाइम लगता है, एक मिनट भी क्यों लगना, क्योंकि एक मेरा मानना है कि आप हर क्वेश्चन 2 मिनट में नहीं कर सकते, तो कम से कम 10 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन ऐसे करो जो एक एक मिनट में हो जाए, इसका बचा हुआ टाइम 20 मिनट, 20 बचे हुए क्वेश्चन को दोगे। बहुत ही प्लानिंग के साथ पेपर करना पड़ेगा, और प्लानिंग मतलब नो प्लानिंग, पेपर में प्लानिंग करके करके गया पेपर बिगाड़ाएगा, प्लानिंग का मतलब नो प्लानिंग, प्लानिंग मतलब एक ही प्लानिंग कि जो आता है वो पहले करना है, और उसमें भी सिंपल पहले करना है, 1 स्टेप क्वेश्चन पहले करना है। ये वही फॉर्मूला फिर से अभी जो लिखा था, अब 1/3 वो सॉरी 1/4 साइन 30, तो आंसर इज एक ही जैसे 2 क्वेश्चन, देख लीजिए आपके सामने पेपर, आपके सामने 100% एक्चुअल। एंगल मान लो आप 45 मत मानना, ये इनडिफाइंड हो जाएगा, तो कितना ले लो 135 माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1, 135 पे माइनस 2 कौन दे रहा, माइनस 1 कौन दे रहा है, ये दे रहा है नहीं, ये कहां दे रहा है, तो माइनस 2 हो जाएगा, ये नहीं होगा, बी दे रहा है, बस बी करेक्ट। और मेथड से भी कौन सी देर लगेगी उसको, साइन कॉस, मतलब इतने सड़े सड़े क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और ये पेपर भी लोग बिगाड़ सकते हैं, प्लानिंग की कि पेपर बिगड़ा, एक्सपेक्टेशन किया पेपर बिगड़ा, 22 जैसा पेपर आएगा पेपर बिगड़ा, 23 जैसा आएगा पेपर बिगड़ा, 24 का पेपर 24 जैसा आएगा, एकदम नया फ्रेश पेपर होगा, और अभी तक 22 तक आपको 120 मिनट मिलते थे, चाहो तो आप 120 मिनट में मैथ्स कर लो,
चाहो तो एलआर कर लो, चाहो तो 120 मिनट में, आप कुछ नहीं 70 मिनट बाद मैथ्स नहीं कर सकते, 30 मिनट बाद एलआर नहीं कर सकते और 20 मिनट बाद कंप्यूटर नहीं कर सकते, बैठे रहो आप। बहुत चीजें इस बार संभालनी पड़ेंगी। हाइट एंड स्ट्रेंथ का क्वेश्चन है, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम थ्री पॉइंट कॉलिनियर पॉइंट दिए हैं, बोलो ए बी सी ऑन अ रोड, ठीक है, फुट ऑफ टावर 30 डिग्री, बोलो 45 डिग्री, 60 डिग्री, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट के क्लोज जाते हैं एंगल बढ़ता जाता है। द रेशियो ऑफ ए बी बाय बी सी, इसको एक्स मान लो, इसको वाई, और इसको मान लो जेड, और इसको एच, तो आपको बताना क्या है, टेन थीटा निकाल के हो जाएगा ये। ये एरिया का भी फिलहाल में छोड़ देते हैं। कंटिन्यूटी जहां लिखी देखी तो समझ जाओ कि टू रखो इसमें, 5/2 - 2 कितना होता है 1/2, और ये 1 लिखा है तो इस पर कंटिन्यू नहीं है, और 2 रखने पे यहां बताओ कितना होता है, ये भी नहीं, तो क्या बोलोगे, डिसकंटिन्यूस एट। अभी कैलकुलस जब रिवाइज करवाऊंगा तो समझा पाऊंगा, जिनने नहीं पढ़ी उनके लिए। एंगल रख लो, वन रख लो, वन रख लो, 5/6 रख लो, जो रखना रख सकते। ट्रिग्नोमेट्री का ही क्वेश्चन है, इनवर्स, ये भी ट्रिग्नोमेट्री, और ये सेट का एक क्वेश्चन, और आ सेट इज ए इज सबसेट ऑफ, ए किसका सबसेट है, बी इज सबसेट ऑफ सी, तक ए यूनियन बी यूनियन सी, तो सी सबसे बड़ा हुआ, तो क्या बोलोगे। अब जैसे क्वेश्चन है, आ सेट ऑफ कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बिगनिंग विद 1, ब्लैक बोर्ड स्टूडेंट, कम टाइम लग सकता है, बाद में करेंगे, रीडिंग टाइम क्या है इसका ज्यादा है, बाद में करेंगे, क्योंकि आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 30 मिनट में करना है, और 30 मिनट में अगर आप 40 क्वेश्चन करोगे तो 40 क्वेश्चन करने के चक्कर में भिड़बड़ा जाओगे, तो बिल्कुल पहले सिंपल, सिंपल कौन से वो भी बता रहा हूँ, कोडिंग डिकोडिंग हुआ, सीरीज हुआ, नंबर्स हुए, जो लगेंगे सिंपल वो निकालेंगे। तो आप जरा इस पेपर को मैं आज उसी ढंग से बताऊंगा। अब ये क्या, फोर फ्रेंड एबीसी क्रॉस अ ब्रिज, ये भी टाइम रीडिंग बढ़ जाएगा, पढ़ो ये क्या लिखा, इन अ सिटी 40% ऑफ एडल्ट, अब 40 पॉइंट बन दिया है, आप 40 भी ले लो तो चलेगा, ठीक है। अभी इसको भी देखते हैं, पहले पूरा पेपर समझे, फास्ट बी स्टार्ट, ठीक है। अ पर्सन प्रेजेंट एज, अब ये एज का प्रॉब्लम है, सिंपल है, क्या देखिए, अ पर्सन प्रेजेंट एज इज 2/5 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर, एक पर्सन की प्रेजेंट एज कितनी है, 2/5 है किससे, मदर से, ठीक है, सिंपल है, पहले राउंड में कर लेंगे। पर्सन प्रेजेंट एज इज 2/5 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर, और पूरे एलआर में ये बात ध्यान रखनी है कि नॉट ओनली फर्स्ट राउंड, पूरे समय में पहले एकदम सिंपल, फिर उसके बाद मीडियम लेवल के ही करने हैं, और उतने में टाइम खत्म हो जाएगा, तीसरे राउंड तक पहुंच पाओ, इसके चांस कम है, पहुंच गए तो बहुत ही अच्छा है। तो अ पर्सन प्रेजेंट एज इज 2/5 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर, आफ्टर 8 ईयर ही विल बी 1/2, आफ्टर 8 ईयर मतलब 8 साल बाद ही विल बी द 1/2 द एज ऑफ हिज मदर, व्हाट इज द प्रेजेंट ऑफ एज ऑफ मदर, तो इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं ऑप्शन से करूं तो मान लो कि प्रेजेंट एज मैंने मान ली 60 है, प्रेजेंट एज किसकी, मदर की 60 है, तो बताओ सन की कितनी होगी, 60 × 2/5, 5 का डिवाइड किया तो 12, 24, 8 साल बाद ये कितने का हो जाएगा, 68 का, ये कितना हो जाएगा, 32 का, हाफ नहीं हुई तो आंसर ये रिजेक्ट, ठीक। इस पे आ गए 40 पे,
बता, अगर मैं मान लो मदर की परसेंटेज मान लो 40 मानता हूँ, तो 40 इंटू 2/5 16, तो मदर की एज अगर 14 है, 40 है, तो सन की एज कितनी हो गई 16, 8 साल बाद इनकी कितनी होगी 48, 8 साल बाद इसकी कितनी होगी 24, ये से आधा हुआ कि नहीं, तो दिस इज द राइट आंसर। पर मेथड से करना है तो भी दिक्कत नहीं है, ये पी यहां पे रख दो मेथड से हो जाएगा, कोई देर नहीं लगेगी, दोनों केस में आंसर बहुत जल्दी निकल आएगा। वही तो बता रहा हूँ, इक्वेशन से करना है इक्वेशन से करो बेटा आपको, मैं पर ये बता रहा हूँ कि समझ में आ गया सिंपल क्वेश्चन कैसे कहते हैं, कि बहुत ही लॉजिकल। पहले बताओ क्या दिया, अ पर्सन प्रेजेंट एज इज 2/5 द एज ऑफ हिज मदर, मेरी प्रेजेंट एज मेरी मेरी माँ की एज से 2/5 है, 2/5 मतलब ये हो गया, ये क्वेश्चन बन हो गए। अब 8 साल बाद मतलब आज से 8 साल आगे, तो 8 साल दोनों में ऐड कर दिए, मेरी एज मदर की एज से आधी हो जाएगी, ठीक। अब मैं मेथड से करूं तो प्रेजेंट एज पी को यहां रख दूं, मैं अपने आप को पी मान रहा हूं, 2/5 m, तो 2/5 m + 8 इक्वल टू बोलो m/2, तो 2/5 m - m/2 इक्वल टू माइनस का 8, या इसको उधर लेगा कुछ भी कर लो, एक ही बात है ना, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप बताओ क्या हो जाएगा, 8 = m/2 - 2/5 m, बोलो 8 = LCM आ गया 10, 5 m - 4 m, तो ये हो गया 40 = m, तो मदर की एज कितनी आ गई 40, ये क्वेश्चन से होगा। कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा, जो है वो देखो, यही तो दिक्कत है आपकी, इमेजिनरी थिंक ज्यादा, कॉम्प्लेक्स आएगा तो छोड़ देंगे। मैं पहली सबसे पहले क्या बोला कि हमें वो क्वेश्चन ढूंढने जो सिंपल है, हमारी प्रॉब्लम है ये बनता हमें, पर हमें जो नहीं बनता हम उसकी इमेजिनेशन करके जो बन रहा है वो भी कबाड़ा कर लेते हैं पेपर में। आप सब लोगों को एक बात बोलूंगा, ये बहुत कॉमन दिक्कत है, कि आप बोलते हो सर कॉम्प्लेक्स आ गया तो क्या करेंगे, अरे आ गया तो जो सबके लिए आएगा वो हमारे लिए आएगा, कर लेंगे हम, सोच के करना है। और ये क्वेश्चन प्रॉब्लम ऑन एज हमेशा इजी होता है, इसमें जो बोला उस कंडीशन को ऑप्शन के हिसाब से वेरीफाई करा। ऑप्शन से कैसे किया, कि मान लो मदर की एज 40 है तो बच्चे की एज कितनी हो गई 16 साल, 8 साल बाद इनकी हो गई 48, बच्चे की हो गई 24, ये हो गई, उसकी चिंता मत करो, जो क्वेश्चन है उसी को सोचो, उससे आगे पीछे सोचोगे कभी सीख नहीं पाओगे। चलो पढ़िए, कहां पर हाँ एलसीएम के नीचे, हाँ एक मिनट क्या हुआ, 8 था ना, हाँ समझ गया मैं, ये ऐसा लिखा था ना, m/2 - 2/5 m = 8, तो एलसीएम आ गया 10, तो 5 m - 4 m = 8, एक मिनट, तो m = कितना हो गया, ये ऐसा कहाँ गड़बड़ हो गए, नहीं p + 8, अरे यहाँ पे भी तो ये लिखना था m + 8, अब सही है, 8 साल बाद, अभी कर लोगे, अब करने की जरूरत तो नहीं है। नेक्स्ट, अब पढ़िए क्या लिखा क्वेश्चन, हाँ m + 8 होगा वहां, नहीं नहीं m + 8 होगा, करेक्ट कर लीजिए, मिस्टर कुमार ड्राइव टू वर्क एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, मिस्टर कुमार ड्राइव टू वर्क एट एन एवरेज स्पीड कितनी, अब समझना, अब जो बोला ना अपन उतना सोचे, एलआर में इतना मत करना, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूं उतना ही करिए, तो आपकी कमांड आने लग जाएगी, तब क्वेश्चन भी बनने लग जाएंगे। एक बार बताओ आपने किसी बच्चे को कभी इस बात के लिए चिंता करिए, दौड़ेगा कैसे, पहले क्या करने की कोशिश करते हो, खड़ा हो जाए, फिर बेबी स्टेप चले या दौड़ाना है, या वो बच्चा डर जाए कि मैं दौड़ूंगा कैसे किसी दौड़ते हुए को देख के, तो कभी खड़ा भी नहीं हो पाएगा। तो आप भी सब लोग ध्यान रखो, कोई भी टफ चीज होती नहीं, धीरे धीरे सब आता है। मिस्टर कुमार ड्राइव टू वर्क एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड क्या दी बताओ, 48 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें आपको अभी थोड़ा सा हो सकता है स्टेप है, टाइम लगेगा, बाद में करते हैं, पाइप एंड सिस्टम का बाद में करते हैं, अब ये पढ़िए, ये इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल ढूंढ ढूंढ के निकालना है,
और मैं पेपर भी समझ रहा हूं, ऐसा नहीं कि पेपर नहीं समझ रहा। आप सब लोग ध्यान रखना, इस क्लास का आज का पर्पज है, इस क्लास का आज का पर्पज है कि आपको बताऊं कि आपको अभी क्या करना है 30 मिनट के लिए, और सीयूटी के पेपर में क्या करना है। ये दोनों बातें ही बतानी है। इन अ सर्टन कोर्ट, देखिए सर्टन कोर्ट DOS, DOES को कैसे लिख सकते हैं बोलो, $5 थ्री और परसेंटेज, ठीक है। SITE को कैसे लिख रहा है, रिटर्न एज परसेंटेज, अच्छा ई को थ्री लिख रहा है, तो पकड़ में आ गया, मतलब जो लेटर दिया है वैसा ही लिखा जा रहा है, ठीक है। तो बताना क्या है, एडिट को कैसे लिखोगे। अब देखो ये एक्चुअल पेपर ही है, एडिट में ई कितना आएगा, थ्री, थ्री वाले कितने हैं, दो है। फिर उसके बाद टी के लिए बताओ, लास्ट टी के लिए क्या आता है, टी के लिए क्या है, हैशटैग, हैशटैग आखिरी में किसमें है, इसमें, खत्म क्वेश्चन। अब हम ऐसे क्वेश्चन छोड़ देते हैं, हम क्या होता है बड़े बड़े क्वेश्चन में उलझे रहते हैं। अच्छा अब तक क्या था, फिर भी एक स्कोप था, चलो आपके पास टाइम था, अब आपके पास 30 मिनट है। बहुत दुख होगा बाद में कि यार सिंपल क्वेश्चन क्यों छूट गया, इसलिए मैं आप देखो रीड करते ही बता देता हूं कि कौन से छोड़ना है कौन से नहीं। ये क्लियर पहले, चलो नेक्स्ट। अब इसमें क्या लगेगा आपको कि एक हेक्टेयर में कितना एरिया होता है, अगर आपको हेक्टेयर का रिलेशन पता तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो मान लो नहीं पता, अभी बाद में आते हैं, ये क्या है पजल्स, बाद में करेंगे। देखिए ये भी पजल्स है, अभी देखते हैं, ये भी पजल्स है, देखते हैं, इसको करिए। और सारी दिक्कतें पता कहां से स्टार्ट होती, सारी दिक्कतें होती है एक्सपेक्टेशन से। एक्सपेक्टेशन मतलब समझते हो, जैसे अभी कई बच्चे सर सीयूटी में कितने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है एलआर के, बस यहीं से प्रॉब्लम चालू, जितने आएंगे सबके लिए आएंगे, क्यों जानना अपने को एक्सपेक्टेड। फिर भी मैंने एक मोटा मोटा अनुमान बताया, 20 क्वेश्चन तक एलआर के आना चाहिए, 25 से 30 क्वेश्चन मैथ्स के आना चाहिए, और 25 से 30 ही कंप्यूटर के आना चाहिए, 20 से 25 की रेंज भी हो सकती, बाकी जितने आए, 10 आए तो 10 के लिए तैयार रहिए, 40 आए तो 40 के लिए तैयार रहिए। देखिए अलग अलग एग्जाम है, जैसे कल सीईटी महाराष्ट्र, उन्होंने लिखा था 30 आएंगे तो 30 आएंगे, निमसेट में लिखा 40 आएंगे तो 40 आएंगे, जहां पर लिखा नहीं होता वहां पे जितने आ जाए सब हो जाएंगे। अब बताओ इसमें क्या करना है, काफी सिंपल है ये, देखो ई सबसे पहले तो एंड में सबके क्या है, ए, तो ए सब में ही आना है। अब ई के बाद देखो क्या है, ई एफ जी एच आई जे के, तो के से कितने स्टार्ट हो रहे हैं, दो, ये हो गए, के और एल दोनों में कॉमन है, तो मतलब थर्ड लेटर ही काम का है, थर्ड क्या है एफ ई, ई एफ जी एच कितने लेटर के बाद आ रहा है, एक, तो बताओ जे के बाद के एल तो कौन सा हो जाएगा, हाँ डी, इज दैट क्लियर। ये पहले राउंड के क्वेश्चन है, और मैं बोल रहा हूँ ना इस बार लॉटरी है इम्पिटस के बच्चों की, क्योंकि एलआर के लिए 30 मिनट मिल रहा है, और पेपर ये तो 20 का है, 20 का पेपर तो था लेंदी, ये देखो ना पजल्स वगैरह थी, 22-23 का पेपर आज तक का हिस्ट्री का एलआर का सबसे इजी पेपर है, नहीं तो इस तरह के क्वेश्चंस में थोड़ा टाइम लगेगा ही लगेगा, कुछ भी करो। चलो नेक्स्ट, ये किसका क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का, ब्लड रिलेशन हमेशा इजी होता है, कर लेना चाहिए, मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, एक बार फिर पढ़ाऊंगा, ब्लड रिलेशन तो जरूर पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसके कई बार 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं। करिए, महाराष्ट्र सीईटी का पेपर सबका अच्छा गया, जिनने थोड़ी भी पढ़ ली थी पढ़ाई करी थी उनका अच्छा गया।
pointing to a gentleman, Mohan said, his only brother. Pointing to a gentleman, Mohan said. Mohan क्या बता रहा है? He is only brother. कौन? इसके अंदर जो फोटो के अंदर है ना? एक फोटोग्राफ है जिसके अंदर क्या एक जेंटलमैन है, यहां पर कोई एक मैन है, उसके बारे में बात कर रहे हैं. पॉइंटिंग टू अ जेंटलमैन मोहन सेड. मोहन क्या बोल रहा है? ही इज ओनली ब्रदर. ही इज ओनली ब्रदर मतलब इसका जो एक ब्रदर है. ओनली ब्रदर इज द फादर ऑफ माय डॉटर फादर. माय डॉटर फादर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मोहन कहां हो गया? नीचे. अरे भाई ये बताओ क्या लिखा, बोल क्या रहा बताओ. ही इज ओनली ब्रदर इज द फादर ऑफ माय डॉटर फादर्स. द जेंटलमैन इज मोहन. तो मोहन क्या हुआ, क्या होगा बताओ? थोड़ा सोच लो फिर बताओ. कर लो पहले अच्छे से सोच लो. टेक योर टाइम भाई. मेन देखो, ये मेन है. हाँ ये मेन है, ये हो गया ब्रदर. अब बोला ना पॉइंटिंग टू अ जेंटलमैन मोहन सेड हिज ब्रदर इज द फादर ऑफ, इज द फादर ऑफ माय डॉटर फादर. मतलब मोहन की जो डॉटर है उसके ये कौन है फादर. तो पूछा क्या, द जेंटलमैन मोहन इज, तो अंकल हो गया. नहीं नहीं नहीं, अंकल हो गया. तो आंसर इज सी, ठीक. अब आप बोलो ये वाले क्वेश्चन कम बनते हैं, समझ में नहीं आते, दो तीन बार पढ़ोगे बनने लगेंगे. फिर भी अगर आपको लगता है ये क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन होता है, देखिए कई बार किसी किसी को हो सकता है, तो इसको आप आखिरी में करना. चलो अभी क्लियर ये बात. चलो नेक्स्ट, अभी स्टेटमेंट लॉन्ग है, बाद में पढ़ते हैं. कैलकुलेशन है, ऋषभ स्टॉप आफ्टर 10 किलोमीटर. ये किसका है? डायरेक्शन है जो हमेशा इजी होता है. करिए जरा. अंकल इज द राइट आंसर. ध्यान से क्वेश्चन करो आयुष, खुद समझ में आ जाएगा. बोलिए क्या आएगा आंसर. 18. देखो, ऋषभ स्टॉप आफ्टर गोइंग 10 किलोमीटर टूवर्ड बेस्ट फ्रॉम हिज ऑफिस. पहले तो डायरेक्शन हमेशा देना हो तो ऐसे देना, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट. अब क्या क्या बोला देखिए, पढ़िए क्या क्या बोला. सबसे पहले ऋषभ स्टॉप आफ्टर गोइंग 10 किलोमीटर टू वर्ड वेस्ट. यहां पे खड़ा था, 10 किलोमीटर किसकी तरफ गया? वेस्ट की तरफ. ऋषभ स्टॉप आफ्टर 10 किलोमीटर टू वर्ड वेस्ट फ्रॉम हिज ऑफिस, देन गो 6 किलोमीटर टर्निंग टू हिज लेफ्ट. अब आपको अपने आप को रखना है, तो लेफ्ट कहां होगा इसके लिए? यहां पे होगा. और कितना जाना है? 8 किलोमीटर ये लेफ्ट गया, और डायरेक्शन का एरो बना दिया करो. देन 8 किलोमीटर टर्निंग टू हिज लेफ्ट, आफ्टर दिस ही गोइंग 10 किलोमीटर टर्निंग टू लेफ्ट. कितनी? 4 किलोमीटर. ये 4 किलोमीटर लेफ्ट में गया, ये गया टर्निंग टू लेफ्ट. हाउ फार इज द फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, तो ये फिक्स पॉइंट से कितनी दूर है ये पूछा है. तो फिक्स पॉइंट कहां पे था? यहां पे था, ठीक. अब ये फिक्स पॉइंट से कितना दूर होगा? तो ये आप यहां से एक डाल दोगे परपेंडिकुलर, तो ये कितना हो गया? 8. अच्छा ये 4 आ गया, तो ये कितना बचा? 6. तो पैथागोरस थ्योरम लग जाएगी, तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना? 10. तो 10 किलोमीटर. 10 किलोमीटर इज द राइट आंसर. यस, आप लोग सही दे रहे हैं, और ये सब ओरिजिनल क्वेश्चन है. इनको करके आपका खुद ही कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा. और फिर मैं बोलूंगा कि हमें कोई थॉट रख के पेपर देने नहीं जाना है. 22-23 का इजी आया था तो इसलिए टफ दे देंगे, या वैसे ही दे देंगे, या कुछ दे देंगे, कुछ नहीं.
हम तो जैसा आएगा वैसा करेंगे, तब सबके लिए होता है जी, सबके लिए होता है, डन। ये अब इस क्वेश्चन में देखिए आपको बताना है कि इसमें कौन सा फिगर आउट होगा। अब देखिए ध्यान दीजिए, इसमें थ्री लाइंस हैं, 1 2 3 और एक परपेंडिकुलर है ना, फिर 2 2 और देखो इसमें 4, फिर 3 और फिर यहां पे देखो कितना हो गया, 3 और 2, ठीक है। इसके साथ देखो जरा कुछ सिमेट्री बन रही होगी, देखो कलर सारे यूज हुए, देखो ब्लू येलो, ब्लू व्हाइट, येलो और व्हाइट। आप अगर ध्यान दो तो हॉरिजॉन्टल 3 है, 1 है और 2 है, वर्टिकल 1 2 और 3 है, राइट। 3 के बाद 1 है, 1 के बाद 2 है, तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 2 3 1। बताओ यहां 3 है तो 3 के बाद 1 आना, तो 1 के बाद कितनी आएंगी, 2, 2 वर्टिकल में ये। अब एक मिनट कलर भी बदलना है, ये 2 ये 3, तो अब कितना आना चाहिए, 1, तो 1 कौन सी है, अब बताओ कलर कौन सा होगा, यही वाला होना चाहिए। देखो जरा वर्टिकल में 2 आनी है और हॉरिजॉन्टल में 1 आनी है, तो वर्टिकल में 2 और हॉरिजॉन्टल में 1, ये 2 तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। और कॉन्जुगेटिव कलर भी सेम नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं होना, नहीं एक मिनट, हमारे पास कलर भी देख लो एक बार, हाँ कलर वर्टिकल में ये ब्लू नहीं हो सकता, ब्लू की हो गई है, तो ए इज अ राइट आंसर। समझ में आया, देखो ध्यान से समझो बहुत ही अच्छा, 3 लाइन हॉरिजॉन्टल है, 3 2 1 या 1 2 3 चल रहा, 3 1 2, 1 2 3, 2 3 1 होना चाहिए, 1, ठीक। पहले तो ये बात समझ में आ गई आपको। अब एक बात और बताओ मुझे कि ब्लू ये है, फिर ब्लू है, ठीक है, फिर व्हाइट है। अब एक बात देखो आप ध्यान से कि तीनों कलर को यूज किया, येलो को, ब्लू को, व्हाइट को, ब्लू को, व्हाइट को, येलो को, राइट, तीन कलर के कॉम्बिनेशन है, 3 नंबर पे चल रहा है। तो आप बताओ यहां पर वर्टिकल कितनी है, 3, ये वर्टिकल कितनी है, 1, तो वर्टिकल कितनी होगी, 2, वर्टिकल में कौन सा कलर नहीं आया, येलो, ये येलो हो गया। हॉरिजॉन्टल कितनी, 2, हॉरिजॉन्टल कितनी, 3, 3 के बाद कितनी, 1, बताओ हॉरिजॉन्टल में कौन सा कलर नहीं आया, हाँ ब्लू, तो दिस इज द राइट आंसर। आएगा, अब आएगा, पहले नहीं आता था, अब ऑनलाइन पेपर है। अच्छा अपने यहां जब हुआ था, ओके, नहीं एक्चुअल पेपर में आएगा, कलरपुर आया था, चलो कोई बात नहीं, अगर आया था नहीं आया था ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि बिना कलर के तो क्वेश्चन का थीम ही नहीं बनेगा, बिना कलर के तो इसमें 2 आंसर हो जाएंगे। हाँ समझ गया, ओके नेक्स्ट। अभी सिंबल दिए हुए, इन सिंबल के मीनिंग बताने अभी आते हैं थोड़ी देर में। ये क्वेश्चन क्या है, अभी बड़ा सा क्वेश्चन बाद में देखेंगे, बढ़िया कहेगा, कंफ्यूज हो सकते हो, बाद में करना, इसको करो पहले, बिल्कुल पहला राउंड पेपर को समझने पे बेस्ट लगाओ, इन्वेस्ट करो। कोई भी क्लास जो होती है वो बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो, और जितने भी PYQ पेपर है उनके PDF ऑलरेडी अपलोडेड है, जो PYQ पेपर है, इफ इन अ सर्टन लैंग्वेज आई एन सॉरी आई टी एन आई ई
एम। कोडेड फॉर आई एन टी, क्यों? आई एन टी, ओके। फिर बोलना। आई हाँ एम ए, फिर टी ई। कुछ ऐसा नहीं लग रहा? चार पांच लेटर के साथ बना, देखो। आई एन टी आई, और फिर देखो एम ए और ई टी। हो गया ब्रेक, कोड ब्रेक हो गया। चाचा लेटर को रिवर्स ऑर्डर में लिखा है ना। बहुत एक्टिव माइंड से करना पेपर में, कुछ सोचना मत। तो प्रीवियस, अब ये इसमें भी, इसमें कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो छह छह लेटर को ब्रेक कर लो। तो बोलो आई एन वी ई आर टी, आई एन बी ई आर टी, सब में। कोई बात नहीं, इधर से आओ। यहां बोलो आई बी आर ए टी ई। ये नहीं होगा, कौन सा है? ठीक, खत्म। ओके, क्लियर? नेक्स्ट। करो। ये इस बार जो टाइमिंग हुआ है वो बहुत ही अच्छा हुआ, जो भी हुआ। बोलो। सम ऑफ एज ऑफ अनु एंड भानु इज 10 ईयर मोर देन सम ऑफ एज ऑफ बानु एंड चानू एंड धानु। ठीक है, एवरेज एज ऑफ चानू एंड धानु इज 19 ईयर। फाइंड द एवरेज एज ऑफ अनु एंड धानु इफ धनु इज 10 ईयर ओल्डर देन। ठीक है, क्वेश्चन इजी है, पहले राउंड में हो जाएगा। सम ऑफ एज ऑफ, पहले पढ़ो किसका? सम ऑफ एज ऑफ अनु प्लस कितनी है इस 10 ईयर मोर देन, 10 ईयर मोर देन, बोलो। सम ऑफ एज ऑफ भानु चानू एंड धानु, तो ये दोनों तो कैंसिल। तो अनु की एज कितनी हो गई बताओ? 10 प्लस, सही है? नहीं, इसकी एज 10 ईयर मोर है इनकी। देखो, सम ऑफ एज ऑफ अनु एंड भानु इज 10 ईयर मोर देन, किससे? तो यहां 10 आएगा, सही है कि यहां आएगा? हाँ, तो ऐसी गलतियां ना करना, इसलिए मैं बुलवा रहा था कि आप में से कितने लोग मेरे बोलने पे गलत कर सकते हो, ये क्लियर रखना आप। ठीक है, अभी चलो इतना हो गया। आप बताओ क्या बोला है इसके बाद? एवरेज एज ऑफ चनु एंड धानु इज 19 ईयर, एवरेज मतलब बाय टू, तो सी प्लस डी कितना हो गया? 38। तो यहां पे कितना रख सकते हैं? चनु एंड धानु को 38, तो अनु की एज कितनी आ गई बोलो? हाँ, 48। ठीक है, फाइंड द एवरेज एज अनु एंड धानु इफ धानु इज 10 ईयर ओल्डर देन, धानु इज 10 ईयर ओल्डर देन चानु। धानु क्या है? 10 साल ओल्डर है किससे? ठीक है, तो धानु की जगह कितना लिख सकते हो? सी प्लस टी प्लस 10, तो 2c = 28, तो ये हो गया कितना? 14। तो इसकी एज हो गई 14, धानु की एज हो गई 24, ये हो गई 14। अब पूछिए किसकी एवरेज एज है बताना। एवरेज एज ऑफ अनु 48, धानु 24 बाय 2, ये पूछा है। तो 24 प्लस 12 कितना आ जाएगा? 36 ईयर। कल महाराष्ट्र के भी क्वेश्चन ऐसे आते हैं। अब एलआर के 30 मिनट के बाद मैं आपको बता दूं, आपको चिंता खत्म कर देना चाहिए। मैं आपको 30 मिनट में मैक्सिमम 20-25 क्वेश्चन जो होते हैं, जो निकाल के ढूंढ के लाने, वो करवा दूंगा। 12 साल के हमारे पास पीवाईक्यू है। सबसे पहली बात तो 12 साल के पीवाईक्यू है, जो हम बार बार करेंगे सॉल्व, प्लस उस जैसे कम से कम और 12-15 पीवाईक्यू करेंगे।
कैसे नहीं आएगा स्कोर? बस क्वेश्चन को पढ़ के समझना है। जिनको समझ में नहीं आया एक बार फिर समझ ले। सुनिए, सबसे पहले सम ऑफ एज ऑफ अनु प्लस इसके स्टार्टिंग भानु इक्वल टू 10 ईयर मोर देन सम ऑफ एज ऑफ भानु प्लस चानू प्लस धानु। ये बाय चांस सेम दिया था, कैंसिल हो गया, तो अनु की एज हो गई 10 प्लस सी प्लस डी, राइट। अब बोला है चानू एंड धानु की जो एवरेज एज, एवरेज एज होता है दोनों का सम बाय टू, वो है 19 ईयर। तो इसका मतलब है सी प्लस डी हो गया 38। ये 38 यहां रख दिया तो अनु की एज आ गई 48। एक बात पक्की पता चल गई, ठीक। अब इसके बाद एक और बात बोली इन्होंने, फाइंड द एवरेज एज ऑफ, आपसे पूछा क्या है, फाइंड द एवरेज एज ऑफ अनु प्लस धानु बाय टू। इफ धानु इज 10 ईयर ओल्डर देन, इफ धानु इज 10 ईयर ओल्डर देन, धानु कितना 10 साल किससे बड़ा है। अब यह आपके पास धानु की एज है, वो इसकी धानु की जगह कितना लिख दो, सी प्लस 10 प्लस सी इक्वल टू 38, तो 2c इक्वल टू 28, तो चनु की एज हो गई 14, ये यहां रख दो तो धानु की एज हो गई 24। अब दोनों की एज लिख दो, 48 प्लस 24 बाय टू। दो बार क्वेश्चन पढ़ोगे आपसे खुद हो जाएगा, पर अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ दो तीन बार पढ़ने पे, मतलब आप बिल्कुल बेसिक पे काम नहीं कर रहे, ओवर थिंक मत करो। अभी अपन पूरे करके 40, अभी एक भी क्वेश्चन में उलझे नहीं ना, उलझना नहीं है, उलझेगी पेपर पूरा बिगड़ जाएगा रीजनिंग का, बता रहा हूं। एक पजल में भी उलझ गया तो 30 मिनट निपट सकते हैं। अच्छा, अफसोस करने के अलावा कुछ नहीं, आपने अफसोस किया तो 24 से कहां चले जाओगे 25 का एग्जाम देने के लिए, कि चलो अब तो कुछ नहीं हुआ 25 में देखेंगे, और 25 में कुछ नया पैटर्न कर देंगे वो, देख लेना आप। फिर वो बोलेंगे कट ऑफ देंगे हर सेक्शन के। चलो नहीं भाई, अभी बड़ा सा क्वेश्चन है, अभी बाद में पढ़ेंगे, ये भी स्टेटमेंट लंबा है, बाद में पढ़ेंगे, ये भी देखते हैं अभी, अभी पहले ही। फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर इन द फॉलोइंग, रॉन्ग बताना है 56, 58, 62, 70, मतलब इंक्रीज डिक्रीज दोनों हो रहा है क्यों? तो टू की अच्छा ऐसा बोला, ओके 58 प्लस 4 है ना 62 प्लस 8, बिल्कुल सही है, 70 प्लस 16 होना चाहिए, क्यों 86, 86 प्लस 32 होना चाहिए तो 118, और 118 प्लस 64 होना चाहिए तो 182, तो गलत का है, शाबाश। आपसे करवाऊंगा मैं क्वेश्चन, मैं आज जब LR पढ़ाया करूंगा तो आपसे निकलवाऊंगा, आप कोशिश करा करो, आप सब लोग ऑनलाइन भी, कि क्वेश्चन को सोचो, पहले कर चुके तो भी दोबारा सोचो। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हो गया। देखो 1 पे 1 है, 2 पे 4 है, और 3 पे 9 है, मतलब इसका स्क्वायर है ये, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, बोलो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, बोलो 4। अब आप मान लो आगे उलझ के रह जाते तो क्या होता, दो तीन सिंपल क्वेश्चन छूट जाते। अच्छा, एक बड़ा क्वेश्चन करो और दो छोटे क्वेश्चन करो, क्या अंतर है? अंतर है ना, एक बड़ा क्वेश्चन करके 6 कमाओगे, दो छोटे करके 12 कमाओगे, कमाई कैसी ज्यादा करनी ये सोचो आप। अभी देखते हैं इसको, चलिए नेक्स्ट।
देखो क्लिक करता है कि नहीं। देखिए 47 कितना होता है, 47 कितना होता है, 98, और 98 + 7 ठीक, 2 1 + 1 3 ठीक। यहां जो भी नंबर होगा पहले तो इसमें 9 कम कर दो, 108। अब 108 किस में, 12, 9 जा 108 + 9 भी तरीके हो सकते हैं। यस पहले सुन लो, हो सकते हैं। अब मुझे जो क्लिक करा वो मैंने बताया, आपको जो क्लिक करेगा आप वो बताओ, मैं लिखता भी हूं। पर तीनों जगह पे सही बैठना चाहिए, बस रूल ये है, बाकी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। आप बोलो, मिड नंबर में कर, अच्छा हाँ ठीक है, इसको इससे ऐड करो, हाँ करो 1 प्लस, और इससे मल्टीप्लाई करो, इसमें 1 प्लस करो, 57 105, यहां पे जो भी नंबर है x + 1, हाँ 39 11 कर सकते हैं, दिस इज ऑल्सो राइट। अब वही बात है, जो जिसको क्लिक कर जाए, मुझे मैं थोड़ा देख रहा था, मुझे वो क्लिक करा वो बता दिया आपको जो बस रूल ये कि जो लगा रहे हैं वो थ्रू आउट सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं इसमें अलग लग जाए इसमें अलग, कर सकते। पर कोशिश, जैसे इसी के नंबर लिए मैंने, आपने 1 लिया वो भी चल जाएगा। ओके नेक्स्ट, 24 का डबल 48, 48 का डबल 32 का डबल 64, 16 है। और ये कहीं से मैंने नहीं दिए क्वेश्चन, ये किसने दिए, निम सेट ने दिए, याद रखना। कहाँ है, बड़े, हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ कलर विल बी रिक्वायर्ड टू पेंट ऑल द साइड ऑफ क्यूब विदाउट एडजेसेंट साइड हैविंग द सेम कलर, सिंपल बताओ क्या होगा। ये डब्बा है, अगर मैं इस पे कोई कलर करूं और यहां कर दूं तो ये दो कलर सेम नहीं होंगे, इस पे करूं और इस पे करूं तो, और इस पे तो कितने है? मिनिमम 3। ओके अभी रीड करते हैं। इफ द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इंक्रीज बाय 25% एंड डिनोमिनेटर डिक्रीज बाय 20%, द न्यू वैल्यू इज 5/4, देन द ओरिजिनल वैल्यू। ऊपर कितना परसेंट इंक्रीज कर रहे हो एक्स अपॉन वाई में बताओ, 25% इंक्रीज कर रहे हो, नीचे क्या कर रहे हो, डिक्रीज कितना, तो इससे रेयर रिजल्ट क्या आता है 5/4, तो ओरिजिनल रिजल्ट क्या रहा होगा बताओ। तो सिंपल है, 4 का 25% कितना होगा 1, और 5 का 20% 1, तो यही होगा, मेंटली बता सकते हो 4/5। पहले तो ओरिजिनल में याद रखना, न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर बड़ा होगा, और अब 4 का 25% निकालो कितना होता है 1, तो ये 5 हो गया, इसका 20% निकालो कितना होता है 1, ये कम करना था 4 हो गया। ये है क्वांट, क्वांट के नाम पे ये आता है। ओके
ये पेपर खत्म हो गया ना, कितने करे अपन ने अभी, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन में उलझा नहीं। अब इसमें कई क्वेश्चन थे जो और जल्दी हो जाते, पर मैंने बिल्कुल बिना उलझे लिए गिनो गिना। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व फोर्टीन। अच्छा क्या है ये 14? ठीक, कितने किए हमने? 14 क्वेश्चन। कम होते हैं, 30 मिनट का टाइम था, 14 क्वेश्चन करने में मुश्किल से 10-12 मिनट लगे, पूरा पेपर समझा। अब बचे हुए टाइम में 10-12-15 क्वेश्चन और करना। बहुत ही पीसफुल माइंड से पेपर करोगे तो पेपर होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब दूसरा राउंड भी याद रखना, दूसरा राउंड भी ऐसा नहीं करना हमें कि दूसरे राउंड में भी टफ पकड़ ले, जैसे जो लॉन्ग स्टेटमेंट है कंफ्यूजिंग है उसको बाद में अभी बताऊंगा। अब देखो ये क्वेश्चन पढ़िए, पढ़ के समझ में आएगा, प्रैक्टिस से आने लगेगा। फोर फ्रेंड ए बी सी डी नीड टू क्रॉस अ ब्रिज इन अ नाइट, अ मैक्सिमम ऑफ टू पीपल कैन क्रॉस एट अ टाइम, दे हैव ओनली वन लैंप, ए टेक 1 मिनट टू क्रॉस द ब्रिज, बी टेक 2 मिनट क्रॉस द ब्रिज। देखिए, फोर फ्रेंड ए बी सी डी नीड टू क्रॉस अ ब्रिज इन अ नाइट, अ मैक्सिमम टू पीपल कैन क्रॉस एट अ टाइम, दे हैव ओनली वन लैंप, ए टेक 1 मिनट टू क्रॉस द ब्रिज। ए को कितने मिनट लग रहे हैं? 1 मिनट, बी टेक 2 मिनट, सी टेक 8 मिनट एंड डी टेक 11 मिनट टू क्रॉस द ब्रिज रिस्पेक्टिवली। अ पेयर मस्ट वॉक टूगेदर, द स्पीड ऑफ द पर्सन हु वॉक स्लो, वॉट इज द मिनिमम टाइम टू रिकॉर्ड क्रॉस द ब्रिज ऑल द फोर पीपल, कितने मिनिमम समय में वो ब्रिज को क्रॉस कर लेंगे? करिए करिए, आप लोग करो, पहले सोचो। फोर फ्रेंड ए बी सी डी नीड टू क्रॉस अ ब्रिज द नाइट, अ मैक्सिमम टू पीपल कैन क्रॉस एट अ टाइम, दे हैव ओनली वन लैम्प, ए टेक 1 मिनट, कितना आएगा आंसर बोलो? 18 मिनट इज अ राइट आंसर। ठीक, शायद गलत दिया मैंने, पर अभी बता रहा हूं कैसे करना चाहिए। सुनिए, सबसे पहले ए और बी गए, ए प्लस बी गए, कितने मिनट में पहुंच गए? 2 मिनट में वो उस एंड पे पहुंच गए। ठीक, और कोई भी एक को वापस ले आओ, वापस आया मान लो, सपोज ए आया है ना, मान लो ए आया बी आया, मान लो ए आया तो कितने मिनट में आया होगा? 1 मिनट में, और इसने डी को पकड़ा और ए प्लस डी गए, कौन? हाँ ऐसा कर लो, सी और डी को एक साथ भेज देते हैं, पर सी और डी को एक साथ भेजने में एक दिक्कत है ना। हाँ ऐसा कर लो, पहले तो देखो, पहले ए प्लस बी दोनों को एक साथ भेज दो, तो ए प्लस बी दोनों एक साथ गए 2 मिनट में। अब ए वापस आ गया यहां पर 1 मिनट बाद, अब ए ने कहा सी और डी को, दोनों को जाओ तुम, तो सी और डी दोनों गए, कितने मिनट लिए? 11 मिनट। और सी और डी ने किसको भेज दिया? बी को, बी ने आराम कर ही लिया था थोड़ी देर, तो बी वापस आ गया यहां पर, और फिर ए और बी मिलके चले गए, तो 18 मिनट इज अ राइट आंसर। फिर समझना, अब बताओ मुझे ए और बी पहले गए तो कितने मिनट में गए? 2 मिनट में। ए वापस आया 1 मिनट में, तो 2 मिनट प्लस 1 मिनट कितने हो गए? 3 मिनट। अब सी और डी दोनों गए, कितने मिनट लगे? 11 मिनट, ये 11 मिनट हो गए। इसने किसको भेजा? बी को, बी यहां आया, कितने मिनट लगे? 2 मिनट, 16 मिनट हो गए। अब ए और बी फिर गए, कितने मिनट में पहुंच गए? 2 मिनट में, तो दिस इज इक्वल टू 18 मिनट। बट इस क्वेश्चन में कई बच्चे उलझ सकते हैं, मैं अभी बता रहा हूं। तो ये डायलेमा वाला क्वेश्चन है, डाइसी है, डिपेंड आपको, अगर कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो तो करना, नहीं तो लीव कर दे। फिर से समझिए जिसको अभी भी नहीं आया, सबसे पहले इसमें वो गलती मत करिएगा, सबसे पहले ए प्लस बी दोनों एक साथ गए, दोनों एक साथ गए और 2 मिनट बाद यहां पर खड़े हैं, स्टेप नंबर 1।
ए वापस आया और यहां खड़ा हो गया, और सी और डी पहले से थे। अब ए को वापस आने में लगे 1 मिनट। अब स्टेप नंबर 2 ये हुई। अब स्टेप नंबर 3, ए ने सी और डी दोनों को एक साथ भेजा, दोनों एक साथ गए 11 मिनट में, और इन्होंने अपनी टॉर्च दी सी को जो यहां पे बचा था, यहां पे सी लेफ्ट था। सी वापस आया, सी नहीं बी वापस आया। अब बी यहां आया कितने मिनट में? 2 मिनट में। अब ए और बी दोनों आए, अब ये फाइनली ए और बी गए, फिर 2 मिनट लगे। इस तरह से टोटल टाइम 18 मिनट लगेंगे। क्लियर? अब इसमें आप दिमाग चलाएंगे कुछ बच्चे, वापिस आने की क्या जरूरत है, क्यों वापिस आ रहे हैं? क्योंकि एक ही लैंप है और बिना लैंप के ब्रिज को क्रॉस नहीं कर सकते, और दो बच्चे एक समय में ज्यादा चल नहीं सकते। अब आप बोलो सर क्या जरूरत थी लैंप की, थोड़ी बहुत तो लाइट होगी मून की, तो ये किसका क्वेश्चन है? एलआर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सोचना है, दिमाग को नहीं चलाना है। कि मैं होता तो मैं तो अंधेरे में भी चल लेता हूँ सर, आपको क्या पता। और अब तो मोबाइल भी हो गया, लैंप हो ना हो मैं मोबाइल की टॉर्च से चला गया, जरूरत की थी, है ना? बात समझ में आ रही है? तो ऐसे फालतू के क्वेश्चन ना करें, कभी भी दिमाग में ना लाने लें। चलो ये पढ़िए, सेकेंड राउंड क्वेश्चन कर रहे हैं अब हम, फिर थर्ड राउंड पे आएंगे। अब थर्ड राउंड मुश्किल है, 30 मिनट में हो नहीं पाएगा। अभी हम करेंगे प्रैक्टिस के लिए, पर वैसे बता रहा हूं कि प्रैक्टिकली आप मान के चलो 10-12 क्वेश्चन छूट सकते हैं, 20 भी छूट सकते हैं। 20 या 20 के ऊपर जो बच्चा कर लेगा वो मैक्सिमम रेंज पे जाएगा, डिपेंड ऑन पेपर। 23-22 का पेपर इजी था तो भी आप ऐसा थोड़ी कि पूरे कर पाते, रीडिंग सॉल्विंग टाइम भी तो काउंट होता है। घड़ी रुक थोड़ी जाती रीड करते वक्त, ऐसा थोड़ी होता कि जब रीड कर रहे हो तो रुकिए, जैसे ही सॉल्व करते हो चलने लगती है। केबीसी थोड़ी है ये कि क्वेश्चन पढ़ते समय तक कोई घड़ी नहीं चल रही, जैसे ही क्वेश्चन का आंसर डाला कि घड़ी स्टार्ट हो गई, होता ना ऐसे? ऐसा कुछ करना चाहिए इन लोगों को, है ना? बोलो, इनर सिटी 40%, 40.1 है, 40 मान लो। इनर सिटी 40% ऑफ द एडल्ट आर इलिटरेट। इलिटरेट मतलब पढ़े लिखे नहीं है, तो इसका मतलब 60% पढ़े लिखे हैं। अब पढ़ो, वाइल 85% ऑफ द चिल्ड्रन आर लिटरेट। लिटरेट है कितने? 85%, ये लिटरेट का है तो 15% वो होंगे। इफ द रेशियो ऑफ द एडल्ट टू द चिल्ड्रन इज 2:3, एडल्ट और चिल्ड्रन का रेशियो क्या है 2:3, देन द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ लिटरेट, कितने परसेंट पॉपुलेशन लिटरेट होगी। इसका बड़ा सिंपल लॉजिक होता है कि आपको ये तो दिया, ये 2:3 है ना, तो आप इसको मल्टीपल मान लो, तो आप क्या मान सकते हो, 200/300, 400/600, क्यों? ये 1000 का फिगर हो गया तो आसान हो जाएगा। अरे 200/300, 500 का, ये 1000 हो गया। अब 1000 लोग में एडल्ट कितने लोग पढ़े हुए हैं बताओ? 60%, 60% मतलब 400 का 600 निकालना है, एडल्ट अलग है ना, टोटल तो 1000 है। 400 का 60% निकालो कितना? 240, बिल्कुल सही बोला। और 600 बच्चों का 85% निकालो, तो 85% निकालो या 15% निकाल लो, 15 6 90, तो 510, 90 कम कर दो, तो ऐड करो 0, 5 और 750, यानी 75% लोग लिटरेट हैं। 100 के मल्टीपल में ही बना सकते थे, पर रेशियो के हिसाब से मैंने वैसा कर लिया। पहले राउंड का क्वेश्चन ओके, क्लियर? समझ में आ गया? 40% लोग इलिटरेट हैं, तो लिटरेट होगा 60, 85.1 है, 85 मान लो लिटरेट ही है सीधे, ये बच्चे हैं। और पढ़े हुए बच्चों का मतलब एडल्ट का और चिल्ड्रन का रेशियो 2:3, तो मैंने मान लिया 200/300 या 400/600, तो टोटल 1000 लोग हैं। 1000 में 400 एडल्ट हैं, तो एडल्ट का 60% मतलब 240, 600 का 85% मतलब 510, इसको मिलाते हैं तो 750 होता है, नहीं 75%। 75% पॉपुलेशन पढ़ी लिखी है और 25% पॉपुलेशन नहीं पढ़ी लिखी है। नेक्स्ट, ए रन 1/2
बाय थ्री टाइम फास्ट एज बी इफ ए गिव बी स्टार्ट 80 मीटर हाउ फार मस्ट द बिनिंग पोस्ट बी ए एंड बी माइट बी रीच इज द सेम टाइम. देखिए ए रन 5/3 टाइम्स फास्ट किससे बी से, मतलब ए की स्पीड ज्यादा है, ए तेजी से दौड़ता है. अब ए तेजी से दौड़ता है और ए और बी फ्रेंड है, तो कुछ उनको कोई एक डिस्टेंस था जो क्रॉस करना था, मान लो एक्स से वाई जाना था, तो ए ने एक्स को बी को बोला कि तू भाई थोड़ा चले जा आगे, तो ए बी कितना गया 80 मीटर. फिर ए ने क्या करा, दौड़ना चालू, पर दोनों एक ही समय पे पहुंचे तो आपको बताना है कि ओवरऑल डिस्टेंस कितना होगा. तो लॉजिक सिंपल है, जितनी देर में ए पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उतनी देर में बी 80 तो कर चुका है, बचा हुआ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. तो इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हो. कैसे कि आपने कहा सर 200 आंसर है मान लो, तो ये कितना बचा 120 मीटर बचा. तो जितनी देर बी को 120 मीटर करने में ट्रेवल करने में लगेगी, ए उतनी देर में 200 चल सकता है कि नहीं ये देखना है. तो सिंपल है, तो ए की स्पीड 200 के साथ कर लो, 5/3 टाइम ज्यादा है ना लिखा है. लॉजिक से करने की कोशिश करिए क्वांट को, जल्दी होगा नहीं तो नहीं होगा. आ रहा है बस आपको ये देखना है कि जितनी देर में बी 120 मीटर चलता है ए कितना चलता है. अब बताओ अगर बी 120 मीटर चलता है तो उतनी देर में ए कितना चलेगा 5/3 टाइम्स, तो 5/3 कर दो यहाँ, ये कैंसिल कितने टाइम 40, तो कितना आ गया ओ सॉरी ए 200 सही, यही आंसर सही. मान लो ये आंसर सही नहीं होता, मान लो मैं ये आंसर मानता तो मैं क्या लिखता यहाँ 320 मीटर चलने में जितनी देर बी को लगेगी ए को उतनी देर में कितना ट्रेवल करना है 400 मीटर, ये लेते तो ऐसा आराम से हो जाएगा. नहीं समझे तो फिर समझो, देखिए फिर समझना कोशिश करना. एक्स पॉइंट से जाना है आपको, एक्स ये पॉइंट है, इस एक्स पॉइंट से आपको वाई पॉइंट पे जाना है. ठीक, एक्स पॉइंट से वाई पॉइंट पे जाना है. ए और बी दो लोग हैं, बी की स्पीड कम थी तो ए ने बी को पहले भेज दिया. जब बी 80 मीटर चल चुका था तो ए ने यहां से चलना चालू किया और अब ये दोनों एक ही समय पे ए और बी पहुंचे ये बताना है. और ए की स्पीड जो है वो 5/3 टाइम ज्यादा है किससे बी से. तो मैंने कहा ऑप्शन ए करेक्ट है, तो आपने कहा ऑप्शन ए अगर करेक्ट है सर तो 80 तो चल ही चुका है, अब बी को और कितना चलना है. अगर ये करेक्ट होता तो 120 मीटर, अब बी जितनी देर में 120 चलेगा उतनी देर में देखो ए कितना चलता है, 120 लिख दिया, ये कितना आ गया 200 और ओवरऑल डिस्टेंस भी कितना था, तो बस यही आंसर करेक्ट. अगर ये 200 से कम या ज्यादा आता तो हमें ये आंसर रिजेक्ट करके बी पे जाते सी पे जाते. आई बात समझ, मूव ये हो गया था, ये नहीं किया था. चलो अब एक भी करते हैं. लॉजिक से करना, बहुत जल्दी होगा लॉजिक से. मिस्टर कुमार ड्राइव टू वर्क एंड एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड दी बेटा कितनी बोलो 48 किलोमीटर पर आवर, यस और नो. ठीक है, द टाइम टेकन कवर फर्स्ट 60%, पहला 60% कवर करने में ए से आपको मान लो सी पॉइंट पे जा रहे हो, एक कोई बी पॉइंट है, 60% बोला क्या देखो, द टाइम टेकन टू कवर द फर्स्ट 60% ऑफ द डिस्टेंस इन 10 मिनट मोर देन द टाइम टेकन टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस. ठीक, मतलब इस डिस्टेंस को जितना भी 10 मिनट मोर लगेंगे किससे,
ये 40% डिस्टेंस कवर करने के कंपेयर में तो आपको बताना है कि हाउ फॉर हिज ऑफिस, उसका ऑफिस कितना दूर रहा होगा। ठीक, तो अगर मान लो कि 30% है, तो आप 30% का 60% और 40% बताओ कितना होगा। अगर 40% आंसर मान रहा है तो कितना कितना होगा उससे आपको पता चल जाएगा, एवरेज स्पीड दी हुई है हमारी। तो मान लो आपने कहा 30% का 60 निकालो कितना आएगा, 18 किलोमीटर, और ये 12 है ना। आराम से करिए, सोच के करिए, एक बार सीख जाओगे फिर करने लगोगे। हो गया। अब ऐसे अगर कभी भी पेपर में बाई चांस अगर आप उलझ रहे हो, अभी तो मैं बताऊंगा ही कैसे करोगे। जैसे आप बोला 40 आंसर है, भी बताता हूँ, तो मैं आपको बताऊंगा कि पेपर में क्या करना है। आप पेपर में बिल्कुल मत उलझना, अगर नहीं क्लिक कर रहा तो आगे बढ़ जाना, आपके पास बहुत करने को है, समय बहुत कम है और करने के लिए बहुत कुछ है। इसलिए जैसे मान लो आपने कहा सपोज थोड़ी देर के लिए 40 आंसर है, तो 40 का 60 कितना होता है, 24 किलोमीटर, और ये कितना हो गया, 16 किलोमीटर। यस और नो, एवरेज स्पीड कितनी है, 48। अब एक बार बताओ मुझे कि 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो 40 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा। अगर 48 की स्पीड है तो 40 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, उसका अलग अलग निकालना है आपको। और मिनट दिए, मिनट को कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये ले जाओ, देखिए अगर इसको मैं पूरा मेथड से भी करना चाहूं तो कर सकता हूं। कैसे, स्पीड इक्वल टू बताओ क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि पूरा डिस्टेंस है एक्स, तो ये वाला पार्ट कितना है, एक्स इंटू 60/100 यानी कितना, 3x/5, और ये डिस्टेंस कितना, ये 40% है। तो चाहो तो आप ऐसा कर सकते हो, एक्स इंटू 40/100, या फिर ऐसा भी लिख सकते थे डायरेक्ट 2/5x, और देखो दोनों को ऐड करोगे तो एक्स आ जाएगा। ठीक, ये 3x/5 डिस्टेंस कितनी देर में कवर कर रहा है, एवरेज स्पीड क्या बताओ, 3x/5 डिस्टेंस को कवर करने में क्या स्पीड है, 48। अरे भाई ये लिखा मैंने, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो कितना आ गया बताओ, 3x/5 × 48। ठीक, ऐसे ही लिखा रहे, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट बोलो कितना है, 2x/5 × कितना बेटा, 48। ये दोनों डिस्टेंस हो गए, और इन दोनों में डिफरेंस कितने मिनट का है, हाँ 10 मिनट का। मतलब ये डिस्टेंस को कवर करने में इसमें कितने मिनट ज्यादा लगते हैं, 10 मिनट ज्यादा, तो माइनस कर दो, आंसर आ गया। इसको कितना लिखोगे बताओ, 3x/5 × 48 माइनस 2x/, बोलना 5 × 48 इक्वल टू, बोलो 10/60। बताओ 10/60 क्यों करा,
10 मिनट का डिफरेंस है, बट मिनट है और ये सब घंटों में चल रहा है, तो डिवाइडेड बाय 60 कर दिया। आप बताओ कितना हो जाएगा, एलसीएम सेम आएगा, तो ये बचा x अपॉन, बोलना 5 इंटू 48 इक्वल टू 10 अपॉन 60, 5 से ये कैंसिल, 12 टाइम 12 4 जा, तो x कितना आ गया 40। अब मैं दूसरा तरीका भी बताता हूं जो लॉजिक ऑप्शन से बताना चाहता था, पर मैं सोचा एक बार पहले मेथड से बता दूं फिर ऑप्शन और लॉजिक से बताऊंगा। रीजनिंग के साथ पहली बार में टाइम लगता है, समझने में टाइम लगता है, हो सकता है, पर एक बार क्लिक करने लगे तो हो जाएगा। अब देखो मैं आपको फिर से बताता हूं पूरे क्वेश्चन को समझना। सबसे पहले मुझे किसी पर्टिकुलर पॉइंट से, मान लो मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूं एक्स पॉइंट पे और मुझे वाई पॉइंट तक जाना है, बीच में कोई पॉइंट है पी, यहां तक का डिस्टेंस है 60% और ये डिस्टेंस है 40%, और इस डिस्टेंस को कवर करने में जितना टाइम लगता है इसमें 10 मिनट ज्यादा लगते हैं। मान लो आपने थोड़ी देर के लिए बोला कि 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो 40 किलोमीटर का 60% 40 किलोमीटर का 60% 24 होता है, ये तो पता है, और ये 16 हो गया, इसमें कोई दिक्कत? अब बताओ स्पीड है 48 किलोमीटर पर आवर, यानी एक घंटे में 60 मिनट में कितना 48 किलोमीटर, राइट? तो एक बार बताओ अगर इसमें ये 48 है, इसमें अगर मैं 6 का डिवाइड करूं तो कितने टाइम होगा, 8 टाइम, और 8 का डिवाइड करें तो 8 का डिवाइड करें तो 6 टाइम, यानी 8 किलोमीटर जाने में कितने मिनट लगते हैं, 6 मिनट, यस और नो? नहीं, 8 का डिवाइड किया ना, 8 मिनट, सॉरी। अब एक बात सुनो, इसको जाने में कितनी देर लगेगी, 24 किलोमीटर जाने में बताओ 30 मिनट, 8 किलोमीटर जाने में 6 मिनट लगते हैं जो मैं बोल रहा था, ओ सॉरी 8 नहीं 30 मिनट है ना, 10 मिनट लगते हैं, 8 किलोमीटर के ट्रेवल में 10 मिनट लगते हैं। देखो 48 की स्पीड है तो 24 किलोमीटर आधा हुआ, 30 मिनट में पहुंच जाएगा, इसके तीन पार्ट बना सकते हो 8 8 8 के, तो 8 किलोमीटर 10 मिनट में। अब बताओ ये कितने कितने किलोमीटर है, कितने मिनट लगेंगे, हाँ 20 मिनट, तो इससे कितने, इसको कितने मिनट ज्यादा लगे, 10 मिनट, मैंने पहले मेथड से बताया फिर लॉजिक से, और अब एक बार फिर मेथड से बता रहा हूं, फिर सुनिए पहले क्वेश्चन, क्वेश्चन को समझिए, मेथड ट्रिक लॉजिक जिससे कर पाओ। ये पॉइंट था एक्स, ये पॉइंट था वाई, ये पॉइंट था पी, ये पॉइंट 60% डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये पॉइंट 40% डिस्टेंस कवर कर रहा है। अगर आपने कहा ऑप्शन बी 40 सही है, तो 40 का 60% होता है 24 किलोमीटर, बचा 16 किलोमीटर, राइट? 48 किलोमीटर पर आर की स्पीड है, यानी 60 मिनट में 48 किलोमीटर, यानी 10 मिनट में 6 का डिवाइड कर दो तो कितना, 8 किलोमीटर, यानी 24 किलोमीटर जाने में 30 मिनट लगेंगे, 16 किलोमीटर जाने में 20 मिनट, 10 मिनट का डिफरेंस है, आंसर ये राइट है। ये हुआ लॉजिक, पर इसमें ऑप्शन ए से जाते हैं। दूसरा तरीका जो मैं आपको बोलूंगा, आप सीधा सीधा करिए कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस है एक्स किलोमीटर, पूरा ही मान लिया एक्स किलोमीटर है, तो इसका पहला पार्ट है 60 किलोमीटर 60%, तो एक्स इंटू 60% यानी 2/3x, और इसका रिमेनिंग पार्ट वो सॉरी 3x/5, और इसका रिमेनिंग पार्ट कितना होगा 2x/5। एवरेज स्पीड क्या है, 48 किलोमीटर पर आवर, स्पीड होती है बोलो कितनी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमें टाइम का डिफरेंस पता है, तो टाइम इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो इसकी डिस्टेंस कितनी है 3x/5 अपॉन 48 माइनस 2x/5 अपॉन 48, कितना डिफरेंस आ रहा है 10 मिनट का, पर मिनट की जगह घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये यूनिट घंटे में। अब इसको आपने सॉल्व किया 3x/48 × 5 माइनस 2x/48 × 5 इक्वल टू 1/6, तो x आ गया कितना 40। अब आ गया समझ में,
पर अगर जरा भी उलझ रहे हो, लीव करने में देर मत करना। लीव नहीं करी तो निमसेट आपको लीव कर देगा इस साल के लिए। मतलब कंपटीशन निमसेट और आपका है, या तो आप निमसेट पे भारी पड़ोगे या निमसेट आप पे भारी पड़ेगा। आप देख लो क्या करना। चलो अब पाइप एंड सिस्टम में कई बार कंफ्यूजन होता है, बाद में करवाऊंगा, वो भी करवाऊंगा सब। चलिए बोलो। सबसे पहले सुनिए क्या दिया। इन अ शावर, शावर मतलब बारिश हो रही, 5 सेंटीमीटर की बारिश हुई, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉल ऑन 1.5 हेक्टेयर ग्राउंड, ग्राउंड एक है, एक ग्राउंड है, उस कितनी कितना एरिया उसका 1.5 हेक्टेयर, और रेन कितनी हुई 5 सेंटीमीटर, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1.5 हेक्टेयर इंटू 10^8 करोगे तो कन्वर्ट हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। पहली चीज ये हुई, राइट। अब एक बात समझना, वॉल्यूम क्या होता है, ऐसी प्लेट है और इसको कवर कर रहा है तो पानी ऐसे भरेगा तो हाइट और लगेगी, तो अब टोटल बताना है कितना होगा। तो 1.5 × 10^8 इंटू बोलो कितना, 5। अब ये तो पूरा सेंटीमीटर क्यूबिक है, पर आपको किस में बताना है, मीटर क्यूबिक में, तो किसका 10^6 का डिवाइड कर दोगे। देखो क्या आंसर आ रहा है, सेंटीमीटर से उसमें कम। हो गया क्या आंसर, 7500। और अभी आप लोगों को परसों सीयूटी का पेपर देना, जो दे रहे हैं कंप्यूटर वाला पोर्शन भी शिवम सर ने पूरा करवा दिया था। अब 20 तारीख से निमसेट वाली कंप्यूटर के जो पेंडिंग है वो सब क्लासेस चालू हो जाएंगी, जिसकी जो छुट्टी है वो अटेंड करना। चलो अभी बजट पे फिर भी बाद में आएंगे, पहले राउंड में नहीं आएंगे। ये हो गया था, हाँ करिए। ये क्वेश्चन पहले राउंड में भी हो सकता था, नहीं है जरूरी। सीयूटी का कोई भी मॉक ना दें तो भी आप टॉप कराओगे, अगर निमसेट के मॉक को अच्छे से एनालाइज किया है तो। सीयूटी का कोई भी मॉक ना दो तो भी, पर फिर भी मैंने एक मॉक आज रखा था, रखा है मतलब एक मॉक, और एक संडे को भी रख रहा हूं। इस संडे को मैं निमसेट का मॉक नहीं दे रहा हूं, इस संडे को मैं आपको निमसेट की जगह सीयूटी का मॉक दे रहा हूं। अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, एकदम नया पेपर है, 100% न्यू पेपर है। और सैटरडे कल कल आपको एक निमसेट का मॉक दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि निमसेट बिल्कुल ना दूं, इस हफ्ते कल ही दे रहा हूं, 2 से 4 वाले टाइम में। इस हफ्ते के मॉक कम है, अगले वीक से वैसे ही मॉक हो जाएंगे जैसे चल रहे थे, जस्ट कि इसका आपको फायदा मिल जाए। और मंडे के दिन आप लोग पूरा जितना कल परसों में 2-3 दिन क्लास की कम होगी फ्रीक्वेंसी, तो आप जितना रिवाइज कर सकते हो कर लो, नहीं करना कोई दिक्कत नहीं है। ट्यूसडे को सीयूटी का पेपर दोगे, वेनेसडे से फुल फ्लेजर्ड वैसी क्लास चालू जैसे चल रही थी। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है। इट वॉज 9:35 AM, गर्विता वॉच विच केप्ट करेक्ट टाइम वेन मानिया इन्फॉर्म हर डेट लास्ट बस लेफ्ट बस स्टॉप एज 9:25। मानिया ने बताया किसको, गर्विता को, 9:35 AM पे, जिसकी घड़ी क्या है, सही है। क्या बताया मानिया ने, मानिया इन्फॉर्म टू डेट लास्ट बस बस स्टॉप इज 9:25। मानिया वॉज 5 मिनट फास्ट, उसकी घड़ी 5 मिनट तेज चल रही है, तो इसका मतलब है 9:30 पे बस आई होगी, पर मानिया ने बताया 9:35 पे, और वो बहुत बता क्या रही है, 5 मिनट फास्ट। ही फ्रीक्वेंसी ऑफ द बस एवरी 20 मिनट, तो अगली बस कितने बजे आएगी, 9:50 पे, ठीक है। फॉर हाउ लॉन्ग अर्पिता मस्ट टू वेट टू कैच द नेक्स्ट बस, तो कितने मिनट उसको वेट करना पड़ेगा। एक मिनट एक मिनट,
पहले बताओ, गर्विता की वॉच में कितना बज रहा है? 9:35 गर्विता की वॉच में हो रहा है। इट वॉज 9:35 AM द गर्विता वॉच विच केप्ट करेक्ट टाइम व्हेन मानिया इन्फॉर्म हर द लास्ट बस स्टॉप लेफ्ट बस स्टॉप इज 9:25। मतलब 9:25 पे बस निकल गई, तो इसका मतलब, और इसकी घड़ी 5 मिनट फास्ट थी, थोड़ी 9:35 पड़ जाता, तो 9:20 पे बस गई होगी। और अगली बस कितने बजे आ जाएगी? 9:40 पे, और 9:35 पे इसको इन्फॉर्म किया, तो 5 मिनट बाद इसको बस मिल जाएगी। 5 मिनट, ओके क्लियर है? मतलब गर्वित, ये जो मान्या है ना, उसकी घड़ी 5 मिनट ज्यादा तेज चल रही, तो उसने बोला कि 9:25 पे आखिरी बस निकली और अगली बस 20 मिनट बाद आएगी, पर इसकी घड़ी 5 मिनट आगे थी, तो एक्चुअल में 9:20 पे निकली, और जब वो बता रही थी तो गर्विता की घड़ी में 9:35 हो रहा था, तो 5 मिनट बाद उसको बस मिलने वाली। बस इतना ही बताना था, पहले राउंड का क्वेश्चन था, कभी कभी छूट जाते हैं कुछ क्वेश्चन। अब आप देखना ध्यान से कि क्या आप पढ़ो, ये टोटल 324 नोट कंप्राइजिंग ऑफ रुपीज 20 and 50, मैं का सम ऑफ रुपीज 12450 द नंबर ऑफ 20 नोट्स। बताने कितने नोट्स हैं आपके पास? 324, किस किस के? 20 रुपए को मान लो एक्स, और 50 रुपए को क्या मान लो, तो एक्स प्लस वाई कितना है? 324। और एक और बात दी है, 20x प्लस 50y इक्वल टू, बोलो 12। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो तो एक्स वाई निकल आएगा, जीरो का डिवाइड कर दो तो 2x प्लस 5y इक्वल टू 12 45। समझ में आया? और आप सभी लोग ऑनलाइन वाले एक बात ध्यान रखें, जिस समय जो पढ़ा रहा हूं वही पढ़े, आगे पीछे मत भागे, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। आ गया ना आंसर? तो आ गया, कर लो पूरा सॉल्व। अब इतनी मेहनत करिए, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इसके साथ सॉल्व कर दो। बोलिए। हम्म, 125 सही है, दिस इज द राइट आंसर। ऑप्शन से भी कर सकते हो, जैसे आपसे कितने 20 के नोट पूछे हैं, तो ऑप्शन में 20 का मल्टीप्लाई कर दो, बचे हुए नोट 550 के होंगे, दोनों का सम 12450 आना चाहिए, खत्म कर लीजिएगा। और 20 इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करना है, तो इसको 0 0 हटा दो तो 12 45 हो जाएगा, बस खत्म। अभी क्लियर बात? चलो नेक्स्ट। ये करा था हमने, ये करा था, इसको करते हैं। ये सेकेंड राउंड चल रहा है, मान के चलो सेकेंड राउंड के बीच में कभी भी टाइम खत्म हो सकता है, बहुत ही रेयर है कि थर्ड राउंड पे पहुंच पाओ, सेकेंड भी खत्म होगा कि नहीं डिपेंड ऑन लेवल ऑफ पेपर। प्रैक्टिकल होके चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉन प्रैक्टिकल होके चलोगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी। देखिए क्या दिया है, इनके सिंबल्स हैं कुछ, P इज नॉट स्मॉलर देन, इन सबको पढ़ना ही मत, इन सबको पढ़ना ही मत, आप सीधे क्वेश्चन पे आना, ये कुछ मतलब है वो बाद में पढ़ेंगे हम, है ना। बताओ क्या बताना है? K हैशटैग L L परसेंटेज ऑफ M M स्टार ऑफ N और N हैशटैग ऑफ, बोलो। अब बताओ के हैशटैग ऑफ एल, तो हैशटैग के साथ क्या बना है? अब दिया है इसके पीछे नीचे आइदर 1 or 2 फॉलो, ये सब दिए हुए, कंक्लूजन दिया है के हैशटैग एम। पहले बता हैशटैग का मतलब क्या, पी इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू क्यू, ठीक है।
तो आप बताओ कि आपको यहां पे बोला है ना ग्रेटर देन हो ना, ये तीनों में से कौन सा ट्रू हो सकता है, देख के बताओ। इसमें कभी कभी उलझ जाते हो, तो ध्यान रखना पहले राउंड में लेना है कि नहीं, टाइमिंग बिल्कुल पूरे समय नजर रहनी चाहिए, कौन सा करेक्ट है ये बताना है। अब सुनिए, के है पहले तो हैशटैग का मतलब, पी इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू, पी इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू, इसका मतलब है के इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू, यानी के क्या होगा, लेस देन एल, क्यों, ना तो ग्रेटर है ना इक्वल टू है, तो लेस ही होगा, ठीक है। अब आपको बोला है कि एल परसेंटेज ऑफ परसेंटेज पी इज नॉट ग्रेटर देन क्यू, तो एल इज नॉट ग्रेटर देन, एल इज नॉट ग्रेटर देन, ठीक है। अब स्टार का मतलब बोलना बेटा जल्दी से, P इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर, तो P यहां पर M इक्वल टू क्या हो गया, N, मतलब स्टार का मतलब ये हुआ, और लास्ट क्या दिया है, फिर से हैशटैग दिया, तो हैशटैग का मतलब तो पता है, N इज लेस देन O। अब बोला क्या K, अब यहां पर कुछ दिया है, बताओ क्या K हैशटैग M, तो K हैशटैग M मतलब K लेस देन क्या होना चाहिए, M। अब इसको देख के बताओ, K जो है L से छोटा है, L जो है वो M से भी छोटा है, बराबर भी हो सकता, तो ये तो सही है, मतलब ये तो सही है, तो वन ओनली तो है। अब आयदर वाला अब इसको छोड़ दो, अब टू पे आओ, K स्टार M, K स्टार कहां पे, स्टार इक्वल टू होता है, तो K इक्वल टू M नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो ये दूसरा गलत हुआ, जैसे ही दूसरा गलत हुआ ये गया तो ओनली वन बचा। अच्छा क्वेश्चन था, देयर आर फॉलोइंग द लाइक सर्टन वे बेसिक ऑफ अरेंजमेंट हैंस, इसको छोड़ ही दो, उसके चक्कर मत लो, अब पढ़ो यार। पढ़िए, पहला पढ़िए क्या लिखा है, देयर आर नो डांसर आर नॉट स्लिम, तो इसका मतलब जो डांसर नहीं है वो स्लिम नहीं है, तो इसका मतलब डांसर क्या हुए, डांसर क्या हुए, स्लिम हुए, ये मतलब होता है उसका। नो सिंगर आर नॉट, नो सिंगर जो सिंगर नहीं है वो डांसर भी नहीं, इसका मतलब सिंगर क्या है, डांसर हुए। अब बोलो क्या, चूज द करेक्ट आंसर, देयर आर Not one slim person, नहीं है, all singer are, ये सही है, क्योंकि जो singer है वो dancer है, जो dancer है वो slim है। आया समझ में, पहले राउंड में हो सकता था, कोई बात नहीं, स्टेटमेंट लंबा दिख रहा था, उलझना नहीं था मेरा पूरा बार बार। अभी मैं आपके एनालिसिस एल आर की ऐसे धीरे धीरे बढ़ाऊंगा कि आपको समझ में आ जाएगा अपने को 30 मिनट में क्या करना है, क्योंकि 30 मिनट ही है, 30 मिनट से ज्यादा नहीं है, और 30 मिनट में एक मिनट स्टार्टिंग में और एक मिनट एंड में खराब होना ही है आपका हड़बड़ाहट में, तो 28 मिनट है। चलो ये हो गया था, ये हो गया था, अब इसको देख लेते हैं भाई, पढ़ो, भले स्टेटमेंट बड़ा है पर सिंगल क्वेश्चन है। In a competitive examination in Maharashtra state, 90% candidate got selected from the total appear candidate. Tripura state had equal number of candidate appear and 12% candidate got selected. ठीक है? With 102 candidate more candidate got selection than Maharashtra state. What the number of candidate appear from each state? बस ये बताना है, दोनों state से कितने candidate हैं? इसमें 12% ज्यादा है, वो मतलब 102 लोग ज्यादा है, ऑप्शन से कर लोगे, करो जल्दी। In a competitive examination, Maharashtra state 9% candidate got selected from the total appear candidate. Tripura state had equal number of candidate appear and 12% candidate got selected with 102 more candidate got selected than Maharashtra state. What was the number of candidate appears? Number of candidate दोनों में equal है, पर इसमें कितने percent select got हो रहे हैं? और उसमें no, और दोनों का difference कितना है? 102।
क्लियर। अब एक छोटे से लॉजिक से भी कर सकते हो कि कितने परसेंट का डिफरेंस है, 3% का, तो आप 3% निकाल दो जिसका आंसर 102। मान लो आपने ऑप्शन ए बोला तो 3% मतलब इसका 3% बताओ कितना होगा, कितना होगा, 102। बस तो यही आंसर हो गया, डिफरेंस 3% का ही तो है। 3% के डिफरेंस में 112 दो कैंडिडेट, अपेयरिंग कैंडिडेट सेम है, पर इसमें जितने सिलेक्ट हुए इसमें इसमें ज्यादा हुए, 102 लोग ज्यादा हुए, और वो 12% है और वो 9%। पूरा नहीं करना क्वेश्चन, पूरा करोगे तो टाइम बढ़ जाएगा। इसे कहते हैं क्वांट, क्या बोलते हैं इसे, जो थोड़ी सी आती है। अब आप इसकी क्वांट में पीएचडी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। और इस बार तो मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि जल्दबाजी और गलत किया तो गड़बड़ हो जाएगा। इस बार आप क्वांट के दो तीन क्वेश्चन आते हैं, बिंदास जीरो पढ़ो क्वांट, क्वांट तो भी चलेगा, क्योंकि क्वांट मैथ्स बेस्ड आती पहली बात, और टाइम भी नहीं है। अब तक तो चलो ये होता था, कई बच्चे बोलते थे सर मैथ्स बनती नहीं है, तो क्या करें, पूरे 40 LR पे दम मारे। मैं बोलता था ओके, आप क्या करोगे, मैथ्स बने ना बने, रीजनिंग को 30 मिनट ही मिलने वाले, तो बहुत ही लॉजिकल पढ़ाई जो बच्चा करेगा वो निकाल लेगा। और क्वांट आज तक जितनी आई, मैं अभी आपको, मैंने पूरा डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लिया, बताऊंगा एक दिन पूरा डिस्ट्रीब्यूशन किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए लास्ट 5 to 10 ईयर में, तो आप सुन के हैरान रह जाओगे। अभी मैं बताऊंगा आपको किसी क्लास में। चलिए बहुत फायदा मिलने वाला 30 मिनट में, जिनको बनती थी रीजनिंग वो 30 मिनट में फोड़ देंगे, और जिनको नहीं बनती थी उनका लॉस होने वाला। तो रैंकिंग बूस्टर हो गया अभी। जिनको नहीं बनती थी वो क्या करते थे बताओ, वो मैथ्स में उलझ जाते थे और मैथ्स के 10-12 करके आगे निकल जाते थे। अब वो वाली कहानी खत्म। कभी कभी कुछ अच्छे के लिए होता है। और जो क्वेश्चन जिस तरीके से हो जाए, मेथड ट्रिक लॉजिक जिससे करना चाहो कर सकते हो। अब देखो यहाँ क्या बोला, शिवा गिव 40% ऑफ हिज मंथली सैलरी टू हिज मदर। शिवा जो है वो अपनी सैलरी का 40% किसको देता है, मदर को, ठीक है। रिमेनिंग जो बची, मतलब 60% जो बची, उसके लिए बोला 7% इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, 23% मंथली एक्सपेंसेस एंड रिमेनिंग। अब 30% तो उसने खर्च कर दी, पीसी मान लो सीधा सीधा। अब जो 30% खर्च करने के बाद द रिमेनिंग अमाउंट ही ट्रांसफर हिज फ्रेंड, अब जो बचा इसका 30% उसने खर्च कर दिया। इसका 30% एक्चुअल में होता है 18%, ठीक है, पर उसने खर्च कर दिया। अब क्या बोला है, द रिमेनिंग अमाउंट ही ट्रांसफर फ्रेंड अकाउंट, द सम ऑफ अमाउंट गिफ्ट टू मदर एंड ट्रांसफर टू हिज फ्रेंड अमाउंट कितना है, 41,000। तो बताना है उसकी मंथली सैलरी क्या रही होगी, राइट। तो सिंपल सा लॉजिक है, आप इसे लॉजिक से कर सकते हो। जैसे सबसे पहले राउंड फिगर लो, जैसे मान लो 50,000 लिया, तो 50,000 का 40% बताओ क्या होता है, 20,000 रुपये। अरे 100 का 40% 40 होता है, तो 50 का 20 हो गया, तो 20,000 रुपये दे दिया। बचा कितना, 30,000 रुपये। इसमें से 30% उसने अपने लिए रख लिया ऐसा सोच लो, तो 30% निकालो तो 9,000 रुपये हो गया, तो अब बचा कितना, 21,000 जो उसने फ्रेंड के अकाउंट में कर दिया। ये दोनों मिला के कितना होता है, 41,000 जो बोला गया, दिस इज द राइट आंसर। यही क्यों लिया, सबसे पहले राउंड अप देखा करो इसमें, फिर नॉन राउंड अप देखो, फिर ये देखता मैं, फिर ये देखता, फिर ये देखता। मेथड से भी हो जाएगा, लॉजिक से भी हो जाएगा। ये क्वांट है, इसे कहते हैं क्वांट। अगर क्वांट समझ में आती हो आपको तो समझ लो, ये क्वांट नहीं है, मैथ्स का बेसिक है। This is called basic of math. Okay.
मूव, चलिए ये पजल से पर सिंपल दिख रही तो इसको पहले कर ले, क्योंकि सिंपल दिख रही, प्लस माइनस मीन्स वाले इसी होते हैं, डायरेक्शन ब्लड रिलेशन का टाइप है। ए स्टार बी मीन्स, अब मीन्स छोड़ दो पहले, स्टार और माइनस का क्या मतलब, देखो सचिन स्टार मीना माइनस रीना ये पूछा है ना, तो पहले बता स्टार का मतलब क्या है। ए एंड बी आर सेम एज, तो इसमें सचिन की और मीना मदन की कैसी एज है, सेम। और माइनस का मतलब क्या है, ए माइनस बी मीन्स बी इज यंगर देन, मतलब यार आर छोटा होगा ये बड़े होंगे। अब ये हो गया, तो सबसे छोटा कौन है, रीना, रीना इज यंगेस्ट, सही है, हो गया, यस और नो, कोई कंफ्यूजन, राइट। अब इसमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मतलब बताना है, प्लस किसको बता, इस सेम है, सेम बताना है, जो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मतलब निकलता है वही ऑप्शन का मतलब भी निकलना चाहिए। बोलो अब क्या लिखा है, एक्स प्लस प्लस का मतलब क्या है, ए इज यंगर देन बी, तो इसका मतलब है एक्स जो है वो यंगर देन वाई और वाई इज यंगर देन जेड, यानी सबसे बड़ा कौन है, जेड, और सबसे छोटा कौन है, एक्स। अब हमें यह बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, माइनस किसका मतलब बता रहा है, बी इज यंगर देन ए, ए माइनस बी में माइनस किसको बता रहा है, बी इज ए जो है वो बड़ा है किससे, बी से। चलो अब बताओ क्या होगा, सबसे आखिरी में आना चाहिए एक्स, तो क्या सबसे आखिरी में एक्स आना चाहिए, इससे हो ही नहीं सकते, यही होगा, क्योंकि देखो जेड माइनस वाई माइनस एक्स, जेड सबसे बड़ा हो गया, जेड से छोटा वाई, वाई से छोटा एक्स, सेम रिलेशन आ गया, रिवर्स रिलेशन पूछा है। दोनों क्वेश्चन पहले राउंड में हो सकते थे, पर कोई बात नहीं, इसकी चिंता मत करना कि पहले राउंड में नहीं हो पाए, तो हम क्योंकि सिलेक्शन पकड़ लेते हैं पेपर को, आप हमेशा बोलते हो ना बाद में पेपर बन गया, बाद में इसलिए नहीं बनता कि आपको बाद में बन जाता है, बाद में इसलिए बन जाता है क्योंकि आपने क्वेश्चन एक नजर में आपके पास आ जाते हैं, दिमाग में चल रहे होते हैं वो, ये हो गया था, ये हो गया था, इसको कर लेते हैं। चलिए परसेंटेज के क्वेश्चंस आते हैं, और परसेंटेज से इजी टॉपिक कोई नहीं है, 100 के साथ करा जाता है परसेंटेज। इन एन एग्जामिनेशन 78% ऑफ द टोटल स्टूडेंट वो अपीयर वर सक्सेसफुल, इफ द टोटल नंबर ऑफ फेल्यूअर वाज 176 एंड 34% गॉट फर्स्ट क्लास, देन हाउ मेनी स्टूडेंट गॉट फर्स्ट क्लास। ठीक है, 1000 कुछ ले लो इसमें, 176 तो दिया ही है। देखो एक चीज समझ लेना, 78% गॉट फर्स्ट क्लास स्टूडेंट सक्सेसफुल, और फेल्यूअर कितने हुए, 22% किस, और टोटल फेल्यूअर कितने, तो 176 लोग फेल हुए, तो टोटल कैंडिडेट मिल जाएंगे, 176 का 22 निकालो कितना हो जाएगा, 800 लोग आ रहे हैं, ठीक है, 100 पे 22 होंगे, 22 का डिवाइड कर दो ना इसमें सीधा सीधा, 176 बाय 22 इनटू 100 तो कितना आ रहा है, 800, तो 800 बच्चे हैं, और 800 बच्चों में कितने लोगों को, 34 को मिली कितनी फर्स्ट डिवीजन, तो 800 का 34 निकाल दो। फिर समझ लो एक बार, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कॉलेज में जितने भी लोग हैं उसमें 78% लोग क्या हुए हैं, सक्सेसफुल हुए, तो इसका मतलब 22% क्या हुए हैं, फेल्यूअर, और फेल्यूअर का नंबर दिया 176, तो 176 इनटू 100 बाय 22 अपॉन क्यों कर रहे हैं पता ना, रिवर्स नंबर निकालना है, तो ये आ रहा 800, यानी टोटल कैंडिडेट 800 थे, उस 800 कैंडिडेट में 34% को फर्स्ट डिवीजन मिली है, तो 800 इनटू 34 अपॉन 100 ये कैंसिल, तो 34 इनटू 8 एंड दिस इज 272। देखो आखिरी में 2 आएगा, 8 फोर जा,
और 34 × 8 करोगे तो इसमें ये इतने छोटे नंबर हो ही नहीं सकते। इन दोनों में 2 नहीं है एंड में, और ये छोटा है। क्लियर? पहले राउंड में कर सकते थे। अब ये पेपर की पकड़ प्रैक्टिस से आएगी, अभी इतने टेस्ट दोगे कि पकड़ आ जाएगी। अब इस बात की चिंता नहीं करना कि 30 मिनट में 40 कैसे होंगे, इस बात की चिंता करना कि 30 मिनट में कोई सिंपल क्वेश्चन तो नहीं छूट रहा मुझसे। हर एलआर में ये थॉट के साथ करोगे तो आप एलआर को कर लोगे। ये कर लिया था, ये कर लिया था, ये भी ये कर लिया था, हाँ कर लिया था, ये करो, ये भी कर लिया था ना। अच्छा आप जी कर लेते। इफ अ मैन वॉक एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर मिस द ट्रेन बाय 6 मिनट। एक आदमी यहां से यहां तक जा रहा है मान लो ए से बी, और अगर वो किस स्पीड से जा रहा है पर आवर, तो कितने मिनट लेट होता है? 6 मिनट। ठीक है, ही मिस द ट्रेन बाय 6 मिनट। हाउ इफ ही वॉक एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, तो 6 मिनट P4, यानी टोटल 1 किलोमीटर की स्पीड बढ़ाने पे 12 मिनट का डिफरेंस आता है। आता है, इसमें 6 मिनट लेट हो रहा है, इसमें 6 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, तो 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम करने पर, बढ़ाने पर 12 मिनट का डिफरेंस आता है। तो 12 मिनट, तो 12 × 5 = 60, तो आपको पूछा है कि डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस होना चाहिए 5 किलोमीटर। देखना एक मिनट, 5 या 4, एक मिनट, 4 होगा सॉरी, क्योंकि अगर मान लो इसको ऐसे सोचो कि अगर वो 4 किलोमीटर डिस्टेंस है और 4 किलोमीटर से जा रहा है तो कितने मिनट लगेंगे? 60 मिनट लगेंगे। अब मान लो यही स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर कर लो, तो 5 किलोमीटर 1 घंटे में, तो 12 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर, 48 मिनट में 12 मिनट का अंतर आ गया, जो मैं अभी आपको बोल रहा था। 12 मिनट में एक आ गया ना, तो ये आ गया 4 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया, ये हो गया था, सिंपल पजल थी।